राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरेत् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, सोनका ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए। पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए प्रश्न कौन कर रहे हैं, बोले ये सौनकादि ऋषि लोग कर रहे हैं किसको, बोले श्री सुत गोस्वामी को। बोले सुत गोस्वामी मतलब क्या, बोले सूत कहते हैं जो रथ को चलाने वाले, मतलब ये छोटे जाति में है। लेकिन प्रश्न कौन कर रहे हैं, ये बड़े बड़े ऋषि लोग बड़े बड़े ब्राह्मण लोग। बोले इसका तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है भगवान की भक्ति में जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का विचार नहीं है। इसलिए देखो हनुमान जी कौन सा जाति में जन्म लिए, बोले बंदर जाति। प्रहलाद महाराज ने राक्षस कुल में जन्म हुए, विभीषण ने राक्षस कुल में जन्म हुए हैं, गुहक चंडाल है, इसलिए सबरी ये सबरी जाति में। लेकिन ठाकुर जी उसकी झूठा बैल खाते हैं। विभीषण जब भगवान का राम दरबार लगती है, भगवान विभीषण को बराबर आसन में बैठा दे, शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति की ही सर्वश्रेष्ठता है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा है, भगवान के नाम जप करो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान करके, और मुंह में क्या करो ठाकुर जी की नाम जप करो, इसी से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए जो भगवान की जो नाम कीर्तन है इसकी बड़ी महिमा है।
एक छोटी सी रामायण की कथा सुनो। भगवत नाम की कितने महिमा है, जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप करते हैं, भगवान का नाम उसको कैसे रक्षा करता है। बोले एक समय श्री कैवर्त देश के एक राजा जिसका नाम था सुकामदेव, एक दिन वो सत्संग में जा रहा था और बीच में श्री नारद जी से भेंट हो गया। आपको पता है नारद जी क्या करते हैं, झगड़ा लगा लेते हैं। हम कहते हैं तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो। इतने में नारद जी मिले तो बोले भैया कहाँ जा रहे हो। बोले सुमेरु पर्वत में सत्संग हो रही है, हम सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करियो, जब सत्संग में जाओ सबसे पहले संतों का चरण छूने चाहिए। बोले आप लोग तो यही सिखाया, पहले जा करके संतों की चरण स्पर्श करने चाहिए। जब फिर जा रहे थे बोले फिर इधर आ। बोले क्या बात है। बोले देखो वहां पर सारे संत बैठे हुए होंगे, सबका चरण छूना, लेकिन विश्वामित्र भी होंगे, उनकी चरण को स्पर्श मत करना। बोले क्यों। जब सारे संतों को चरण स्पर्श करेंगे श्री विश्वामित्र के भी चरण छूनी चाहिए। बोले बता दिया ना उनकी चरण नहीं छूना। बोले ठीक है। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर में गए, सारे संत लाइन करके बैठे थे, सबका चरण को उन्होंने स्पर्श की, लेकिन श्री विश्वामित्र जी के चरण को छुए नहीं। अगर सभी को छुओ एक को नहीं छुओ कितना निगलेक्ट होगा, कितने अपमान होगा। भाई सर विश्वामित्र जी बड़े तेजस्वी है, भगवान राम जी के अस्त्र गुरु है। जब सत्संग समाप्त तो हो गई, विश्वामित्र तो क्रोध से सीधा सुमेरु पर्वत से अयोध्या आए। उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे और श्री लक्ष्मण लाल चौकीदारी रूप में थे। बोले अभी अभी प्रभु राम जी से मिलना चाहता हूं। बोले प्रभु राम अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा सोता है उसी देश में ही इतना अमंगल होता है। बोले क्या बताओ तो सही। बोले प्रभु राम को ही मैं बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। अभी इनके अंदर में तर्क वितर्क होते होते प्रभु राम का नींद खुल गई। देखा गुरु जी आए, प्रभु जी निकल करके आए, सबसे पहले गुरु जी की चरण छुए। बोले गुरु जी क्या बात है, आज इतने क्रोधित क्यों। बोले मैं मेरे लिए क्रोधित नहीं, ये संत परंपरा की अपमान, ये सुकांत जी सबकी चरण को स्पर्श किया लेकिन भरी सभा में मेरे चरण को स्पर्श नहीं किया, मेरे चरण में सर नहीं नमाया। भगवान राम ने कहा जिसने मेरे गुरु जी की चरण में सर नहीं नमाया कल सवेरे उसका सर ही कत्ल कर दूंगा। अभी भगवान की प्रतिज्ञा है। अभी धीरे 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 ये बात श्री सुकांत जी के पास में गया, ठाकुर जी प्रतिज्ञा की। अभी सुकांत जी रोने लग गया। बोले देखो ये नारद जी कैसे झगड़ा लगा दी। अभी नारद जी को ढूंढे कहां नारद जी, लेकिन ये नारद मिले ही नहीं। बोले जब मैं ढूंढ नहीं रहा था तब तक नारद जी मिल गए, जब ढूंढ रहा हूं नारद ही नहीं मिल रहे। ऐसे ढूंढते ढूंढते श्री नारद जी बिना बजाते बजाते प्रभु की कीर्तन करते करते श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय I'm gonna make you mine.
शांत जी बोले गुरु जी आप तो गड़बड़ी कर दी। बोले क्या हो गया? बोले आपने बताया विश्वामित्र को चरण स्पर्श मत करो। विश्वामित्र थी तो प्रभु जी को पास में गए, प्रभु जी प्रतिज्ञा की कल सवेरे मेरे सर को काट दे, इसलिए कल तो मैं मरने वाला हूं। बोले भैया ये तो मरते जाएगा तो सबको तो मरना पड़ेगा। बोले मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। बोले दुनिया में कौन मरना चाहता है बताओ? कोई मरना चाहता है दुनिया में? लेकिन सब तो मरना पड़ेगा। बोले गुरु जी मैं तो मरना ही नहीं चाहता। बोले एक काम करो, तुम श्री अंजना मैया के शरण में चले जाओ। अभी जा करके उन्होंने अंजना मैया के चरण में गिर पड़े। आप बताओ तो अंजना कौन है? बोले अंजना कौन है? हनुमान जी की मैया है और माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने अंजना मैया के चरण में गिर करके रोने लगे। बोले बेटा क्या बात है, रो मत। बोले माता जी मेरे प्राण को रक्षा करोगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा। बोले जरूर तेरे प्राण को रक्षा करूंगा, बताओ क्या बात है? बोले कल मेरे को विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं। बोले विश्वामित्र जी मारेंगे? बोले हाँ। बोले बेटा अंदर में चले जाओ, अंदर में बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में श्री हनुमंत लाल जी प्रभु की चरण की सेवा करते हुए वापस आए। देखा माता जी दरवाजा में दुखी होकर के बैठी हुई, हनुमान जी आकर के सबसे पहले मैया की चरण स्पर्श किए। बोले माता जी क्या बात है, हनुमान जैसे बेटा रहते मैया दुखी है, फिर बेटा रहना नहीं रहना बराबर है। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को तेरे को रक्षा करना पड़ेगा। बोले मैया प्राण दे करके भी रक्षा करूंगा, बताओ बात क्या है? इतने में सुकांत जी को बुलाए। बोले बेटा बात क्या है? बोले कल मेरे को प्रभु राम सवेरे मेरे सर कत्ल करने के लिए प्रतिज्ञा ली। अंजना मैया ने बोले तू तो बता रहा था विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं। बोले विश्वामित्र जी राम को द्वारा मरवाना चाहते हैं, अभी हनुमान तो बुरी तरह से फंस गए। और कोई व्यक्ति होता तो कुछ बात था, लेकिन जब भगवान स्वयं प्रतिज्ञा की प्रभु राम, अभी प्रभु प्रतिज्ञा को कौन तोड़ सकता है? हनुमान तो बुरी तरह से फंस गए। बोले कोई बात नहीं तुम बैठो। सवेरे सवेरे भगवान राम श्री हनुमत लाल जी अयोध्या में पहुंच गए। देखा भगवान राम सत धज करके युद्ध के लिए जा रहे थे। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को मार कर किया होगा, छोड़ दो। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी की चरण में नतमस्तक नहीं किया, सर नहीं झुकाया। जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी की चरण में सर नहीं झुकाया उसका सर मैं आज ही काट डालूंगा। बोले प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की, उसको प्राण रक्षा करूंगा। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा कर दी? बोले प्रभु को मेरे पता ही नहीं था ये बात, मैं तो फंस गया बीच में। बोले जो करना तो कुछ कर, मैं तो जरूर उसको मारूंगा। अभी हनुमान जी आए, सुकांत जी को ले गए, चलो मेरे साथ में। उसको लेकर गए जंगल में। बोले मेरे पूछ कर नीचे बैठ जा और चलो हम दोनों बैठ करके। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा पतित पावन अभी प्रभु राम ढूंढते ढूंढते आए, दुष्ट गया कहां? इतने में श्री सुकांत जी बोल रहे हैं हनुमान जी को। बोले हनुमान ये जो दो अक्षर राम है क्या हमें बचा लेगा? क्या बचा लेगा राम से? बोले चिंता क्यों करते हो, हरि से बड़ा हरि का नाम, चिंता मत करो, प्रभु का नाम को लेते रहो। एक तो प्रेम से नाम ले रहा है और एक भय से नाम ले रहा है। बोले भय से कौन नाम ले रहा है? बोले सुकांत। बोले प्रेम से कौन नाम ले रहे हैं? श्री
हनुमत लाल जी इतने में राम ढूंढते ढूंढते आए, देखा दोनों बैठे करके प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। इतने में भगवान राम ने धनुष उठाया, जब धनुष उठा करके मारे, लेकिन भगवान का नाम रूपी जो चक्र है उनको रक्षा कर रहा था। जो भगवान के नाम जप करते हैं, कहते नानी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। हर समय नामी मतलब भगवान को चिंता रहती है, मेरी नाम बदनामी नहीं होनी चाहिए, है मेरे नाम बदनामी नहीं हो। अभी जब जितने बाण मारे कुछ नहीं हो, बाण जाता है टकरा करके गिर जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा भैया ये राम को तो बड़ा तंग कर रहा है, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, हनुमान जी उठाया बाती उठा करके, और वो तो बैठा हुआ था उसको पूछ को नीचे, हनुमान जी थे सामने, उन्होंने बाण मारे हनुमान जी को, लगा श्री हनुमान जी को छाती में, लगा तो हनुमान जी को छाती में, इतने में भगवान राम बेहोश हो गए। बोले क्यों बेहोश हो गए? बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं बताओ? हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं, हैं? सीताराम उनके हृदय में बैठे हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं साधव हृदय मुझम, साधु नाम हृदय तू हम। बोले साधु का हृदय में मैं बैठा हूँ और साधु मेरे हृदय में बैठा है। हनुमान सीता से रामचंद्र तो बेहोश हो गए। अभी रामचंद्र की जब होश आई ना, श्री रामचंद्र जी ने कहा बोले देखो सुकांत जी, देखो हनुमान जी, अभी बताओ मैं अभी गुरु जी को क्या मुंह दिखाऊं? मैंने प्रतिज्ञा किया था सवेरे सुकांत जी का सर मैं काट दूंगा, हाँ सर मैं काट दूंगा, अभी गुरु जी के लिए प्रतिज्ञा किया, अभी गुरु जी को मुंह क्या दिखाओ? इतने में श्री नारद जी आए, बोले नारद जी ये बताओ तुमने सब गड़बड़ी क्यों की है, हैं? और सुकांत जी को पूछे बोले ये बताओ कौन सा असत संग से तेरी ये बुद्धि दुर्बुद्धि हुई? बोले प्रभु जी असत संग से नहीं सत्संग से। बोले भैया कौन सा सत्संग से? बोले नारद जी की, नारद जी ने मेरे को ये बात बताई थी। बोले नारद जी तुमने ये सब बात क्यों की, तुमने ये सब गड़बड़ी क्यों की? बोले प्रभु जी मैं जहां जहां जाता हूं सबके सब मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बढ़ाना उनका नाम बढ़ाना, सारा दुनिया मेरे को प्रश्न करते हैं। अभी मैं कितने को बताऊं हरि से बड़ा हरि का नाम? मैंने सोचा ऐसे एक काम कर दे सारा दुनिया को ये पता चले जाए, क्या पता चले जाए? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, I'm
भगवान का नाम भगवान से बढ़कर के सोचा, ऐसे एक काम कर दे इस सारा दुनिया को पता चले भगवान से बढ़कर के उनका नाम है। बोले भैया अभी गुरु जी को मैं कैसे क्या मुंह दिखाऊं। इतने में श्री गुरु जी आ गए विश्वामित्र जी। नारद जी सुकांत जी को बोले सुकांत जल्द जल्दी जा गुरु जी के चरण में गिर पड़। इतने में सुकांत जी विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े। कितना संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय है वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। बोले संत संहार नहीं करते हैं, संत संवारते हैं। जब विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े विश्वामित्र जी संतुष्ट हो गए। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम मेरे वजह से प्रतिज्ञा की थी ना सुकांत को मारोगे। बोले हाँ। बोले इसका अपराध में माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। भगवान बोले ठीक है इसका मैं अपराध को माफ कर देता हूँ। इसलिए कलयुग में जो भगवान का नाम है, अगर आप प्रभु का नाम जप करते हो, ये जो भगवान का नाम हर समय आपको रक्षा करता है, यहाँ तक भी प्रभु का बाण अचूक है राम का बाण, लेकिन ये बाण भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? वो भगवान के नाम जप कर रहा था। अगर हम भी कलयुग में ठाकुर जी का नाम जप करोगे ना, भगवान का नाम आपका रखवाली करेगा, भगवान के नाम आपको रक्षा करेगा भगवान का नाम, ठीक है ना। इसलिए सबके सब उठते बैठते सोते हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण कृष्ण सामना तेज कर दो और थोड़ा सा तीखा कर दो। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके सब बोलो, आप लोग बोले मैं सुनूंगा, जोर से बोलो जोर से, आवाज सही नहीं आ रही है। देखो हम क्यों कहते हैं हरि नाम करो, हमारे गुरु जी कहते थे जैसे एक पत्थर लेकर के पानी इस तालाब में फेंको, आप बताओ वहां पर क्या होगा। देखना वहां पर लहरी आएगी, वो लहरी धीरे 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 अंतिम छोर को स्पर्श करके फिर दोबारा लहरी आएगी, फिर तीन बार लहरी आएगी। उसी तरह जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, ये भगवान का नाम साधारण नहीं, बताए ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भागवत में बताए मधुरम मधुरम में तत् मंगलम मंगलाना, भगवान का जो नाम है ये मधुर से भी मधुर है और मंगल से भी मंगल भगवान का नाम। जब हम प्रभु का नाम करेंगे ये जो शब्द ब्रह्मचारी तरफ में बिखरते हुए जाएगा, जितना दूर तक ये नाम की ध्वनि जाएगी उतना दूर तक तो किसी तरह का कोई दुख कष्ट जितने अशांति सबके सब दूर हो जाएगा है। इसलिए भगवान का नाम लेने से सारे दुख कष्ट जीवन में दूर हो जाती है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय जय श्री राधेश। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान एक ही है। भगवान कितने हैं? भगवान एक है, लेकिन एक होने पर भी भगवान की तीन प्रतीति है, भगवान के तीन स्वरूप है और उनको तीन तरह का भक्त भी है। मतलब एक भगवान का स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप है, जिसको ज्ञानी लोग भगवान को निराकार निर्विशेष मान करके जो भगवान को उपासना करते हैं कहते ये ज्ञानी है। इनका दूसरा स्वरूप है ये परमात्मा स्वरूप है, जिस स्वरूप को श्री योगी लोग एक अंगुष्ठ परिमाण पुरुष रूप में हृदय में ध्यान करते हैं। और इनका जो तीसरा जो स्वरूप है ये भगवत स्वरूप है, जिसको भक्त लोग उनको भक्ति करते हैं, जैसे हनुमान जी प्रभु राम की सेवा करते हैं, जैसे गोपियां कृष्ण को भक्ति करते हैं, जैसे सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति करते हैं। बोले भगवान तो एक है
लेकिन वो एक भगवान के तीन इनके प्रति थे। हरे कृष्ण, देखो ध्यान से के सुनो, अच्छा तरह से ये चीज को समझो, नहीं तो कोई बोलेगा भगवान निराकार है, कोई बोलेगा हम तो परमात्मा को ध्यान करते हैं, कोई बोलेगा हम तो भगवान कृष्ण को राम को भक्ति करते हैं। कभी कभी लोग ना इसमें उलझ जाते हैं, वो स्थिर नहीं कर पाते हैं, हम भक्ति करें तो क्या निराकार को करे, ना साकार को करे, ना वो परमात्मा को भक्ति करे, कभी कभी लोग उलझ जाते हैं। हाँ, अब ये चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, एक अच्छी चीज को समझ जाओगे, अच्छे तरह से दिमाग लगाकर समझो, ये श्री सुत गोस्वामी क्या समझाना चाहते हैं। जैसे समझो आम का सीजन है, मार्केट में बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम आए, एक राजा ने एक सेवक को बोला जाओ तो देख करके आओ, हमने सुना बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम मार्केट में आया है। वो देखा सचमुच से पीले पीले रंग के दुकान में बिक रहा है, वो केवल उसको देख करके वापस आ गया, बोले महाराज सचमुच से बड़ी सुंदर पीले पीले रंग के आम है। राजा दूसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख रे क्या, दूसरा सेवक भी गया, वो भी देखा बड़ी सुंदर पीले पीले रंग के दशहरी चौसा आम बिक रहा है। एक तक देख करके आया था, एक पास में गया और उसको स्पर्श किया तो देखा पका हुआ, सूंघा तो बड़े खुशबू है, वापस आ गया, बोले महाराज बड़े सुंदर आम हमने सूंघ करके और उसको देख करके आए पक्का हुआ। राजा तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख रे क्या, तीसरा सेवक गया, वो भी देखा बड़े सुंदर पीले पीले रंग के आम है और हाथ लगाया तो बड़े कोमल भी है, सूंघा तो बड़े खुशबू, बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम लाया, ठंडा पानी में भिगवाया, उसका अमुनिया करके उसको ठाकुर जी गोविंद देव को तुलसी पत्ता से भोग लगाया। जब वो आम को खाया ना, देखा बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे, बोले महाराज बड़ा मीठा आम है, मैंने स्वयं खा करके देखा है। देखो ये तीनों का आम मिला, मिला कि नहीं तीनों का आम, बता मिला कि नहीं तीनों का आम, मिला है। लेकिन ये मिलने पर क्या सबको बराबर है मिला है? हाँ, यही चीज को समझो, जो केवल दूर से देख करके आ गया आम पीले पीले रंग के, ये कौन है, बोले ज्ञानी है। जो भगवान को केवल दूर से देखता है वो कैसे है, बोले वो तो निराकार, वो तो केवल ज्योति स्वरूप है, कहते ये ज्ञानी है। लेकिन जो थोड़ी पास में गया, देखा भी, स्पर्श भी किया, सूंघा, वापस आ गया, बोले ये कौन है, बोले योगी है। हृदय में जो परमात्मा को अंगुष्ठ परिमाण रूप में जो ध्यान करता है, कहते ये योगी है। कहते जो तीसरा व्यक्ति गया, देखा सूंघा स्पर्श भी किया और उसको खरीदी करके लाया और ठाकुर जी को भोग लगाया और उसको खाया, देखा भैया आम तो बड़ा मीठा है, कहते ये कौन है, बोले ये भक्त है। यद्यपि ये तीनों को भगवान मिलते हैं, लेकिन मिलने पर भी ये तीनों को बराबर भगवान नहीं मिले। इसलिए कृष्ण गीता में यही बात को कहते हैं, कर्म विभ्रष्ट अधिक योगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, एक कर्मी से एक ज्ञानी श्रेष्ठ, एक ज्ञानी से एक योगी श्रेष्ठ, लेकिन योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेनां करात्मना। हे अर्जुन, ये योगियों में भी जो श्रद्धा और भक्ति करके मेरे को भक्ति करता है, हे अर्जुन मेरे को पूर्ण रूप में वही प्राप्त करता है। इसलिए आप दुनिया में नहीं सुने होंगे कोई कहते हैं क्या ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते हैं योगी का भगवान। किसका भगवान है बताओ, भगवान किसके हैं, भक्त के भगवान। भगवान किसके हैं, भक्त के ही भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। जगत में यद्यपि बहुत तरह का बंधन है, लेकिन मेरे को पूर्ण रूप में किसने बांधा है, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैं प्रेम से जैसे बंध गया और किसी को द्वारा बंधे नहीं, तो एक एक उदाहरण देते हैं, बोले क्या उदाहरण देते हैं, बोले प्रेम के बस और जुनरत हाको भूल गए ठाकुर आई। कहा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन महाभारत युद्ध में प्रभु ने क्या किया, अर्जुन का सारथी बन गए, सारथी बन करके प्रभु रथ को हाके। बोले प्रेम के बस भगवान ने क्या किया, प्रेम के वशीभूत होकर के, बोले सबर के झूठा के झूठे बैर गाए
और बहुविध स्वाद बताई। बोले सबरी आज तेरी झूठे बेर में जो स्वाद आ रहा है ना, मेरे को मेरी महिषियां गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में छापान भोग छत्र से व्यंजन मेरे लिए बनाते हैं, लेकिन आज तेरे झूठे बेर में जो आनंद आया वो आनंद वैकुंठ में भी मेरे को वो आनंद नहीं आता है। इसलिए कहते भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के भगवान ने क्या किया, बोले विदुर जी के घर में गए और उन्होंने उनको केले का छिलका खाया है, केले का प्रभु छिलका खाई। जब भगवान शांति दूत बन करके गए थे उसी समय दुर्योधन ने छापान भोग 36 व्यंजन बना कर रखा था, बोले ये ग्वाला इसको तो खिला पिला करके हम संतुष्ट कर देंगे। लेकिन कृष्ण शांति दूत बन कर गए, बोले पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, बोले 5 गांव दे दो उससे ही संतुष्ट हो जाएंगे। बोले बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तो 5 गांव की तू बात करते हो। बोले कृष्ण बाद में बात होएगा, चलो भोजन कर लेना। सोच रहा था कृष्ण को खिला पिला करके हम संतुष्ट कर देंगे। कृष्ण ने कहा देखो व्यक्ति 3 जगह पर भोजन करता है। पहला नंबर है अगर कोई मित्र हो उसको घर में भोजन कर लेगा। दुर्योधन ने कहा मैं क्या तुम्हारी मित्र नहीं, बोले नहीं। बोले क्यों, बोले पांडव मेरे भक्त हैं, उनका जो भक्त मेरा भक्त है, उनका जो शत्रु वो मेरे शत्रु है। दूसरा नंबर में अगर भूख लगे भोजन कर लेते हैं, लेकिन मैं तो आत्मा राम मैं आप तो काम मेरे को तो भूख है ही नहीं। तीसरा जगह पर आप जिस काम के लिए गए हो अगर वो काम बन जाए तो फिर आप भोजन कर लोगे। बोले भैया मैं जिस काम के लिए आया मैं काम ही नहीं बना, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ, हैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। इतने में दुर्योधन ने पूछा कहीं तो भोजन करोगे, बोले हाँ कहीं कर ही लूंगा। इतने में कृष्ण श्री विदुर जी को घर में गए, लेकिन उसी समय विदुर नहीं घर में विदुरानी थी। देखा भैया अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक मेरे घर में आए, अभी कहाँ बैठा है, क्या खिलाए, पागल हो गए। किसी तरह से ठाकुर जी को बैठाया, देखा वहां पर केले था, केले ला करके केले के छिलका तो खिला रही थी और केले को फेंकते जा रहे थे फेंकते जा रहे थे। इतने में श्री विदुर जी आ गए, बोले बाबरी क्या कर रहे हो, भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो, उसके तो होश थी नहीं, वो तो प्रेम से खिलाती जा रही थी। इतने में जब होश आई प्रभु को उसने केला खिलाना शुरू की। कृष्ण ने कहा विदुर जी केले का छिलका में जो आनंद आ रहा था ना, अब ये केले में वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं केला भी नहीं खाता हूँ केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ। इसलिए प्रेम की भूखे प्रभु प्रेम ही सार है, इसलिए प्रेम से जो उनको भजे भव से बड़ा पार है। इसलिए यहाँ पर श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम से जैसे बसीभूत होते हैं और किसी चीज को द्वारा भगवान को हम बसीभूत नहीं कर सकते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल उदाहरण देते हैं, ध्यान देकर सुनो। एक समय दुर्योधन का सेवा करने वाले एक हर नाई था। ये नाई इसका रोज काम था दुर्योधन को शरीर में तेल मालिश करे और दुर्योधन को रोज स्नान कराए। लेकिन इधर तो नाई का काम करता था, लेकिन उधर बड़ा कृष्ण भक्त था। अगर घर में कोई संत आ गए, बड़े संत से भी था, और जिस समय जाएगा दुर्योधन की सेवा के लिए घर में कुछ संत लोग आए, अभी तो हर नाई बड़े द्विविधा में पड़ गया। बोले अगर मैं दुर्योधन को सेवा करने जाता हूं ये संत सेवा छूट जाएगी, अगर ये संतों को सेवा करता हूं फिर दुर्योधन दुष्ट है, हो सकता है नौकरी से मेरे निकाल देगा, नहीं तो मेरे को जेल में बंद कर देगा, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। उसने सोचा ये दुष्ट का तो सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन इस संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, आज जो कुछ हो जाए आज हम संत सेवा करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने भोजन बनाए,
ठाकुर जी को भोग लगाए और उन्होंने श्री संतों को जिम्बाया, संतों को खिलाया। अभी ठाकुर तो चिंता में पड़ गए, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, क्योंकि संतों के हृदय में ठाकुर का निवास है। इसलिए कृष्ण भागवत में कहते हैं, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, मेरे भक्त को खुश कर दो, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? संतों का हृदय में ही मैं निवास करता हूँ। ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने हर नाई का रूप धारण कर लिया और पहुंच गया दुर्योधन के पास में। और दुर्योधन के पास में पहुंच करके उनने दुर्योधन को शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। तेल कौन लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं तेल? ठाकुर जी स्वयं लगा रहे हैं। भगवान आनंद करते रस स्वरूप। जब भगवान के हाथ का स्पर्श होने लगा, इतने में दुर्योधन का हृदय तो प्रेम में हृदय खिल गया एकदम, उसका प्रेम में हृदय गदगद हो गया। दुर्योधन ने कहा, भैया हरनाई, भैया तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या, क्योंकि तू शरीर को स्पर्श करते ही पता ही नहीं मेरे हृदय इतने आनंद में इतने पुलकित क्यों हो रहा है, और हृदय इतना प्रेम में ये हृदय गदगद क्यों हो रहा है। दुर्योधन इतने प्रसन्न हो गया, उसकी गले में नवलाख की एक हार थी, वो प्रसन्न होकर के वो हार को उतार करके उन्होंने हरनाई की गला में पहना दिया। अभी हरनाई कौन बना है, कौन बना है हरनाई, बोलो कौन बने? कृष्ण स्वयं उसका रूप धारण किए, उन्होंने पहना दिया ठाकुर जी के गले में। बोले दुर्योधन ने कहा, आज मेरे को जितने आनंद मिली जीवन में इतने आनंद कहीं नहीं मिले। क्यों? ठाकुर जी स्वयं सेवा कर रहे थे। अभी हरनाई बड़े देर में संतों की सेवा करते हुए जब पहुंचा, सोचा हो सकता है मेरे को ये जेल में बंद कर देगा, नहीं तो मेरे को कोई दंड देगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचा, पहनाया तो हार ठाकुर जी की गला में, लेकिन वो हार अपने आप आ गया हरनाई की गला में। हरनाई जब देर में पहुंची, बोले महाराज जी मेरे अपराध को माफ कर देना, मेरे को आने में देर हो गई, क्योंकि घर में कुछ संतों लोग आए थे। दुर्योधन ने कहा, भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, आज तुमने मेरे को इतने आनंद दिया, इतने आनंद दिया, जीवन में मेरे को इतना आनंद नहीं मिला कभी है, इतना आनंद नहीं मिला। बोले नहीं, मैं टाइम से नहीं आ पाया, घर में कुछ साधु संत आ गए थे। बोले ओ, आज तेरे को मैंने इतने कीमती हार दे दिया ना, इसलिए तू एंट रहे हो, तेरे को अभिमान हो गया। लेकिन उसको पता नहीं उसको गले में वो हार है। इतने में वो जो हार थी दुर्योधन ने पकड़ करके छीन लिया। जब छीन लिया, हरनाई बोले ये क्या, मेरे गले में ये हार कहां से आ गई, मेरे गले में तो ये हार थी नहीं, वो तो भी भक्त था ना, वो समझ गया। बोले ओ, आज घर में मैंने संतों की सेवा की है, इसलिए ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए आज दुर्योधन की सेवा की, इसलिए ये बोल रहा है आज मेरे को इतने आनंद आया जीवन में, इतने आनंद कभी नहीं आया। तब से हरनाई ने दुर्योधन का सेवा त्याग दिया। बोलिए दुष्ट की सेवा करके कोई लाभ नहीं, आज मेरी वजह से ये दुष्ट की सेवा मेरे प्रभु को करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर श्री सूरदास जी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे Oh,
गोस्वामी ने भगवान की 26 अवतार की वर्णना करते हैं। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान की 6 तरह का अवतार है, मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, पुरुषावतार, ऐसे भगवान की 6 तरह का अवतार है। इसलिए भगवान का जो सबसे पहला अवतार है, ठाकुर जी चतुष्ण रूप में आए, ये ब्रह्मा की 4 मानस पुत्र है। जब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उनको सृष्टि की, बोले पिताजी का आदेश इस संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थ बड़ा दुखमय है, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले क्या पिताजी का आदेश है, संसार का क्रम बढ़ाओ और तुम पहला सृष्टि और मना कर रहे हो घर गृहस्थ में फंसोगे नहीं, शुभ कष्ट है। बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले अगर घर गृहस्थ नहीं करोगे ना, जैसे तुमने जन्म लिया जिंदगी भर ऐसे ही रहो। आप देखना चतुष्ण ये कभी बढ़ते नहीं, कभी छोटे नहीं होते, एकदम नंगे धड़ंगे 5 साल के बच्चे। बोले ये अभिशाप थोड़ी है, ये तो वरदान है, क्योंकि घर का जितने सारे बोझ किसको ऊपर में, बड़े को ऊपर में, बच्चों के ऊपर थोड़ी कोई बोझ है, वो तो खेलते कूदते मस्ते रहते हैं। बोले ये वरदान नहीं, ये तो भगवान के आशीर्वाद है। इसलिए इनका जीवन क्या है, बोले कृष्ण कथा मात्र कही, ये कहीं अगर कथा सुनाना हो कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई नहीं हो ना, एक भाई तो बैठ जाते हैं और 3 भाई बैठकर कथा सुनते हैं, एक व्यास गद्दी पर और 3 भाई कथा सुनते हैं। इनका जीवन ही कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा ही इनका जीवन है। भगवान का जो दूसरा अवतार भगवान श्री बराह भगवान बनकर के आए, और बराह बनकर के उन्होंने जिस समय ये पृथ्वी रसातल चली गई थी, मनु महाराज जी को ब्रह्मा ने आदेश दिया सृष्टि का क्रम बढ़ा। बोले सृष्टि करे कहाँ, सृष्टि तो कुछ हो ही नहीं। तब ब्रह्मा जी छींके तो उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे के प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। बोले श्री भगवान बराह देव की, और इन्होंने किया कि पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया और धुरी पर स्थापन की, तो श्री मनु महाराज ने इस सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ये भगवान की दूसरा अवतार है। बोले भगवान का तीसरा अवतार, तीसरे रूप में भगवान श्री नारद जी के रूप में आए। हम सबके सब नारद जी का नाम जानते हो, लेकिन जगत में इनका नाम बड़ा बदनाम है। हम कहते ना, तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, क्या झगड़ा लगा रहे हो? ऐसे नहीं, इनकी इनकी कृपा के बगैर ना प्रभु का कोई भी लीला नहीं हुआ। रामलीला देखो, इनकी वजह से हुई।
कृष्ण लीला देखो इनकी वजह से हुई, प्रभु की कोई भी लीला इनकी बगैर हुई नहीं है। इसलिए इनका नाम नारद, नारद का मतलब क्या, नारद जो कभी रदी नहीं, हर समय सक्सेसफुल है। नार मतलब होता है रस, त मतलब सबको जो रस देते हैं, नार मतलब होता है ज्ञान, सबको ये ज्ञान देने वाले। इनकी थोड़ी सी जिसकी संग हो गया ना, कल्याण हो गया है। इसलिए जिस समय दक्ष प्रजापति ने 10,000 संतान को उन्होंने सृष्टि की, पहले नियम था गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाए, और गुरु जी श्री नारद जी मिल गए। नारद तो अच्छे तरह से उनको लिखा पढ़ा सिखाया। जब लिखा पढ़ा समाप्त तो हो गई, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले घर गृहस्थी करने के लिए। बोले बच्चों समझ बूझ करके जाओ, नहीं तो फंस जाओगे ना, निकल नहीं पाओगे। तब तो उन्होंने कुछ कुट प्रश्न किया। इनका पहला प्रश्न था, आप सभी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग उत्तर देना। इनका पहला प्रश्न था, ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते, वो चक्र अपने आप घूम रहे हैं। बता सकते हो कौन सा चक्र है, कौन सा चक्र है? हाँ, कहती है काल चक्र है, इसको कोई नहीं घुमा रहे हैं, अपने आप घूम रही है। हाँ, बच्चे होकर जन्म हुए, बड़े हुए, लिखा पढ़ा सीखे, नौकरी चाकरी शादीशुदा किए, बच्चे हो गए, बच्चों को पाले, फिर राम नाम सत्य हो गया है। धीरे 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 हम जीवन समा, ये चक्र कोई चला रहा है क्या? ये चक्र अपने आप चल रही है। लेकिन सभी का चक्र तो चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति का चक्र चल ही नहीं रहा है, एक जगह पर स्टॉप है, बंद है। सभी का जीवन का चक्र चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति का चक्र जीवन में चल ही नहीं रहा है, वो एक जगह पर स्टॉप है। बोले किसका जीवन का चक्र चल नहीं रही है, किसका परमायु काल हरण नहीं कर पाता है? सुतो गोस्वामी कहते हैं, तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितने समय हम भगवान की कथा, भगवान की भजन, भगवान की भक्ति करते हैं, वो काल का जो काल है भगवान है। सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? भक्तों को। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। सबका जीवन तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनका समय बर्बाद नहीं हो रही है। इनकी दूसरी प्रश्न है, ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बह रही है? बता सकते कौन सा नदी जो दो तरफ में बहती है? बोले गुरु जी सब नदी तो एक तरफ में बहती है, आप कह रहे हो कौन सा नदी जो दो तरफ में बह रहे हैं? बोले यही तो प्रश्न है, बताओ कौन सा नदी, बता सकते हो? बोले ये जन्म और मृत्यु। जैसे हम जन्म हुए, अभी धीरे 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 एक साल दो साल तीन साल बढ़ते 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 जा रहे, और दूसरे तरफ में काम होते होते जा रहा है। हमें पूछे भैया कितने उम्र के, बोले 40 साल को हो गए। हम 50 साल की हो गए, बोले भैया 50 साल की हुए नहीं तुम, 50 साल तुम्हारी कम हो गई। हम बढ़ नहीं रहे हैं, बोले हम लाला तो बड़ा हो रहा है। बोले जगत में कोई बड़े नहीं हो रहे, सबके सब जगत में घट रहे हैं, सबके सब जितने इधर बढ़ रहे हैं उस तरफ उधर हम उतना कम होते जा रहे हैं। वो ऐसे नदी जो दो तरफ में, ये काल नदी दो तरफ में बहती है। इनकी तीसरा प्रश्न था, बोले भैया ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार फंस जाओ ना, घुस जाओ, निकलने का रास्ता नहीं मिलती है, बताओ तो कौन सा बिल है? बोले ये संसार है। एक बार अगर संसार में फंस गए, हम सोचते हैं संसार हो गया, बेटे को जन्म दे देंगे ना भैया, काम खत्म। फिर बेटा जन्म हो गया, बोले इसको लिखा पढ़ा सिखा दिए तो काम खत्म, लिखा पढ़ा हो गया। सोचते हैं अगर उसको शादी दिला दे तो समय हमारी बात सारी दायित्व खत्म हो जाएगी, शादी हो गई। लेकिन शादी से पहले तो इधर उधर सत्संग में कहीं घूमने चले जाते थे, लेकिन जब से शादी हो गई ऐसे बंद गए, घर से निकलने का रास्ता नहीं। अगर एक नाती पोती हो गया ना, अगर कहीं गए, बोले डोकरी का कोई काम नहीं, घूमती रहती है सत्संग में, बच्चे को नहीं पकड़ना पड़ेगा, फिर बहू मुंह टेढ़ी करके फिर बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी। अब देखना इसी संसार रूपी है गड्ढे में एक बार गर्ते में निकल घुस गए ना, मरने का पहला तक भी चैन नहीं मिलती है, बेचैन है। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उनको उन्होंने प्रश्न किया है, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने उनको प्रश्न की। बोले बताओ तो भगवान का आदेश किया है? बोले स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चिता। भगवान का आदेश है, हर समय उसको याद करो। और आदेश किया नहीं, कभी उनको भूलो मत, हर समय उसको याद करते रहो
हाँ यही भगवान के आदेश। इसलिए श्री नारद जी की विशेष करके चार चेले हुए, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए, बोले कि प्रहलाद हुए और एक श्री ध्रुव महाराज हुए। और ऐसे दो चेले हुए ना, इन्होंने 5 साल उम्र में ही इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। और इनकी दो वृद्ध चले हुए, एक व्यास देव हुए और श्री एक वाल्मीकि हुए। ये दोनों चेले ने ऐसे दिव्य ग्रंथ बनाए, ऐसे अद्भुत ग्रंथ बनाए। श्री व्यास देव जी ने तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाए और श्री वाल्मीकि जी उन्होंने श्री रामायण ग्रंथ बनाए। जब श्री नारद जी की, ये वाल्मीकि पहले दशरथनगर था, जब श्री वाल्मीकि से नारद जी मिले, बोले बाबा निकालो, पहले वो डाकू था, बोले निकालो क्या तेरे पास में, बोले भैया हम साधु है, हमारा पास में तो 3 चीज है, लोटे सोटे और लंगूटे, और तो कुछ है ही नहीं है, हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, ये बताओ तुमने जो ये पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, ये इसका भागीदार कौन बनेगा? बोले मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले पूछ कर गया जा, कोई लेने वाले नहीं, तुम्हारी भागीदार कोई बनने वाले नहीं। पूछने के लिए गया, सचमुच से पूछा पिता माता जी को, मैंने जो पाप कर्म करके पैसा कमाता हूं आप लोगे की नहीं? बोले हम क्यों ले, हम तुमको जन्म दिया, लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, हमने कैसे पैसा कमाया ये हमें पता, लेकिन हमें ये पता नहीं तू कैसे पैसा कमाता हूं। अभी उन्होंने पत्नी से पूछा, बोले ये पाप कर्म का फल तुम लोगे की नहीं? बोले क्यों? बोले घर का काम मेरी, बाहर का काम तुम्हारा। बच्चे से पूछे, बोले आपका कर्तव्य हमको लिखा पढ़ा सिखा करके बड़ा करना, जब हम बड़े बनेंगे फिर सोचेंगे हम कैसे पैसा कमाते हैं। बोले भैया नारद तो सही बता रहे थे, ये सब कैसे सुख में साथ दे रही, दुख में तो कोई साथ देने वाले नहीं। वापस आए, बोले बाबा की चरण में गिर पड़े, नारद जी आप सही बता रहे थे, बताओ अभी क्या करनी चाहिए? बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। वो इतना बड़ा पापी था, उसका मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, आप लोग मरा मरा बोलो अपने आप राम राम हो जाएगा, हैं? जैसे मराम राम राम अपने आप हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मानवाई। इतने विद्वान बने। आप रामायण देखे हो, लव कुश देखे कि नहीं टीवी में? राम आने से पहले उन्होंने रामायण को लिख करके लव कुश को उन्होंने पढ़ा दिया। इसलिए नारद जी ये जगत गुरु है, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम नारद भक्ति सूत्र, अद्भुत ग्रंथ है, जरूर आप लोग ग्रंथ को मिले तो ग्रंथ जरूर पढ़ना, जिसमें उन्होंने भक्ति की महिमा जिसमें गान किया, अद्भुत ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र है। कैसे भक्ति ही भगवान तक पहुंचा देता है, भक्ति ही भगवत प्राप्ति कराता है, भक्ति की ही महिमा जिसमें। बोले श्री नारद बाबा की जय, जय श्री नारद। इन्होंने जब भगवत अवतारों का नाम ले रहे थे करते करते उन्होंने बीच में बोल दिए, ये कृष्ण भी एक अवतार है। इतने में सुतो गोस्वामी बोले भैया मैं तो गड़बड़ी कर दिया, मैं तो बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। बोले अवतारी का मतलब क्या है? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म, ये कृष्ण ही ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के लिए उन्होंने एक श्लोक उन्होंने लिखा है, एक उदाहरण दिया। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रही है, आपने सब व्यक्ति को निमंत्रण दिया, लेकिन आप मोदी को भी निमंत्रण दे दिए, मोदी का नाम जानते कि नहीं? आपने मोदी को भी निमंत्रण दिया, बोले भैया हमारे घर में शादी है, आप भी जरूर आना। इतने में क्या हुआ, जो आम व्यक्ति जिस लाइन में बैठ करके भोजन कर रहे थे, आपका ध्यान नहीं आया, मोदी भी आकर के उसी लाइन में बैठ गया। इतने में आपको नजर पड़ा, बोले भैया आप तो गड़बड़ी कर दिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए और आकर के आम लाइन में बैठ गए, फिर क्या करोगे? वहां से आप उठा कर ले जाओगे उसको, अलग अलग आसन सबके सामने, उसको अलग आसन सबसे ऊंचा आसन दोगे, दे करके उनको बैठाओगे। उसी तरह
श्री सुत गोस्वामी जब भगवत अवतारों का नाम ले रहा था, लेते लेते उन्होंने श्री गोविंद देव का नाम भी ले लिया। बोले भैया ये तो गड़बड़ी कर दिया मैंने, मैंने बोल दिया ये गोविंद देव भी एक अवतार। फिर उन्होंने क्या किया, वो भगवान को वहां से उठाया और सोने की सिंहासन पर उन्होंने श्री गोविंद देव को स्थापन करके फिर सबको सामने अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बोले एते चान सतला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृहयन्ति जुगे जुगे। बोले हे ऋषियों, अब तक मैंने जिन जिनियों का नाम लिया है कोई कृष्ण का अंश की कला की विकला, लेकिन ये जो गोविंद देव है ना, ये पूर्ण ब्रह्म श्री गोविंद देव है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्म स्तुति है। ब्रह्मा जी एक बड़े सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, ये गोविंद देव का स्तोत्र है, हो तो आप लोग जरूर वो ग्रंथ को पढ़ना, जिसमें कह रहे हैं गोविंदंगमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो गोविंद है ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कहते सारे कारणों का जो मूल कारण है ये कौन है, बोले ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। इसलिए भगवान कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म से कृष्ण चंद्र है। तब श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, हे सुत गोस्वामी, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, हैं? जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, श्री अनिल प्रभु जी भक्तों को निमंत्रण दे करके भागवत कथा रखवाए। अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो आप कथा सुनने के लिए आए, अगर किसका छोटी मोटी कोई काम होगा ना, कोई बिजनेस होगा, दुकान मकान होगा, बोले भैया मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय में वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब है संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर में राजत्व कर रहे थे, केवल भारत का राजा नहीं थे, वो संपूर्ण पृथ्वी का राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन आश्चर्य बात है उनने सब कुछ छोड़ करके सात दिन तक बिना खाए पिए उन्होंने एक जगह पर बैठ कर कथा सुनी। और श्री सुखदेव गोस्वामी जो वक्ता, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, एक जगह पर कितना समय वो बैठते थे, टिकते थे। बोले एक गैया को दोहन करने में, दूध दोहन करने में जितने समय लगे उससे भी ये ज्यादा समय कहीं टिकने वाले नहीं थे। सब जिसने 16 साल तक जिसने मुंह नहीं खोले, लेकिन जब पहला बार उन्होंने मुंह खोले ना, सात दिन तक उन्होंने मुंह बंद ही नहीं किए, पूरा की पूरा भगवान की कथा सुनाते रहे। अभी जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, पहले ऐसे नहीं कथा सुने, बिना खाए बिना पिए हैं, दिन रात मिला करके 24 घंटा ऐसे पूरा के साथ के सात दिन कथा सुने। हम जैसे कथा सुन रहे ऐसे नहीं, और कुछ दिन पहले कथा, अभी तो भागवत एक टाइम होती है, पहले कैसे कथा होती थी, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, बीच में कोई कीर्तन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा। और लोग पहले कैसे करते थे, दिन में एक बार भोजन करके, एक बार केवल भोजन करके कथा सुनते थे, और जो मांगते थे ना भागवत उनको सारी इच्छा पूरी कर देते थे, हैं? अभी दो टाइम की बात छोड़ दो, अभी तो कथा 3 घंटा होती है, उसमें भी भजन कीर्तन है, उसमें भी भजन कीर्तन नाच होती है, हैं? तब भी लोगों को अभी समय नहीं कथा सुनने के लिए। इसलिए श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, भैया परीक्षित महाराज संपूर्ण राज्य छोड़ करके एक जगह पर कैसे बैठ कर कथा सुने, और सुखदेव गोस्वामी परम ब्रह्म ज्ञानी उनने कथा कैसे 7 दिन तक बैठ कर सुनाई, जो एक जगह पर 2-4 मिनट से ज्यादा कभी बैठने वाले नहीं थे। फिर श्री व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ पर रचना क्यों किया, इसका क्या रहस्य है, जो मैंने पूछा और जो नहीं पूछा, आप कृपा करके इसके सारे प्रश्न के आप उत्तर दो। अभी ये प्रश्न सुन करके सुखदेव सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, फिर इसका उत्तर देते हैं। बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए
ವ್ಯಾಸ ಪರಾಶರದ್ವಗ್ಗಿ ತಾಸಭ್ಯಾಂ ಕಲಯಾರಿ. ಬಲಿಯ ವ್ಯಾಸ ದೇವ ಕೋನೇ ಬಲಿ ಇನ್ಕ ನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವೇದ ವ್ಯಾಸ. ಬಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ಕಾಸೆ ಇನ್ಕಿ ಜನ್ಮ ಬಡ ಅದ್ಭುತ ಜನ್ಮ ಹೈ. ಈ ಮಚ್ಲಿ ಕೆ ಪೇಟ್ ಸೇ ಜನ್ಮ ಹುವೆ ಹೈ ನಾ ಇನ್ಕಿ ಜೋ ಮಾತಾಜಿ ಥೀ ವೋ ಮಚ್ಲಿ ಕೆ ಪೇಟ್ ಸೇ ಇನ್ಕಿ ಮಾತಾ ಸತ್ಯವತಿ ಜನ್ಮ ಹುವೆ. ಬಲೆ ಭಯ್ಯಾ ಮಚ್ಲಿ ಕೆ ಪೇಟ್ ಸೇ ಕೋಈ ಬಚ್ಚಾ ಕಭಿ ಜನ್ಮ ಹೋತಾ ಹೈ. ಫಿರ್ ಫೇರ್ ವೋ ಜನ್ಮ ಕೈಸೆ ಹುಯಿ ಕೈಸೆ ಹುಯಿ. ಬಲೆ ಏಕ್ ಸಮಯ ಕೋಈ ಏಕ ಗಂಧರ್ವ ಆಕಾಶ ಮೇ ಉಡ್ತೆ ಹುಯೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ. ಜಾತೆ ಸಮಯ ಇತನೆ ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ಬ್ರಿಜ ಸ್ಖಲಿತ ಹುಯಿ ಔರ್ ಏಕ್ ಮಚ್ಲಿ ಯೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಮೇ ಗಂಧರ್ವಿ ಥಿ. लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा की तो ऋषि ने इनकी अभिशाप दी. अभिशाप देने पर वो जो गंधर्विणी थी वो मछली रूप में उसने जन्म ग्रहण की और वो रेत को वो मछली ने खा कर खाई और उसको पेट में ये सत्यवती जन्म हुई. एक समय श्री पराशर ऋषि यमुना नदी पार करते हुए आए थे. जब वापस गए हो गया शाम, पहले केवट लोग जमुना किनारा में ही निवास करते थे. जो आते थे उनको पार करा देते थे. पराशर ऋषि आवाज लगाई, मेरे को नदी पार करा दो. अभी केवट दिन भर पार करते करते थक गया था. उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती. बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी थी. बेटी को बोले बेटी जाओ संतों को थोड़ा नदी पार करा दो. जब नदी पार करा रही थी पराशर ऋषि तो साधारण नहीं, त्रिकाल दृष्टा वो देखे ये लड़की साधारण है. तब उन्होंने उनको ऊपर दिव्य दृष्टि डाली. डालते ही उसी समय गर्भ धारण की और उसी समय उन्होंने श्री व्यास देव का जन्म दिया. इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास. कृष्ण मतलब देखने में कृष्ण रंग थे, द्वैपायन मतलब दीप से प्रकट हुए, वेद व्यास मतलब जिन्होंने वेद को जिन्होंने विभाजन किया है, है? वेद को जितने विभाजन किया. वेद व्यास जी भगवान की ये सत्यावेश अवतार. इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को दर्शन किए. सारे लीलाओं को दर्शन करते हुए पहले वेद एक था, फिर देखा कलिजुग आ रही है. कलिजुग के धीरे धीरे लोगों का स्मृति खत्म होती जाएगी क्योंकि सब चीज हाइब्रिड में बनेगी. स्मरण शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी. अभी जो पुस्तक रूप में देख रहे हैं ना, पहले पुस्तक रूप में कुछ नहीं होता था. आप बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले जाते थे गुरुजी के पास में, गुरुजी सब कुछ रटाते 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 सब रटा लेते थे. उनको पुस्तक की जरूरत नहीं होती थी, इतने स्मरण शक्ति हुआ करता था. हैं इतने स्मरण शक्ति क्यों, हर चीज प्योर चीज मिलती थी. इसलिए बुद्धि बड़ा तीव्र. और दूसरी बात है, पहले ना लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे. जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसको बुद्धि बड़ा तीक्ष्ण होगा. लेकिन अभी ब्रह्मचर्य ये इंटरनेट स्मार्टफोन उल्टा पुल्टा पिक्चर पिक्चर गंदी चीजें आ करके हैं, ये सब ब्रह्मचर्य फर्जे सब खत्म कर दिया है. इसलिए कोई ब्रह्मचर्य कोई पालन नहीं करते हैं. इसलिए जो स्मरण शक्ति धीरे धीरे इनकी स्मरण शक्ति घटते जा रही है. इसलिए श्री व्यास देव जी ने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ दर्शन करते हुए फिर उन्होंने श्री एक वेद को चारि वेद रूप में, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, फिर उन्होंने पुराण को वर्णन किया. देखा शूद्र और स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं. फिर उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत रचना की. लेकिन रचना करते हुए भी उनको मन में शांति नहीं, वो बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे. इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आते हैं. बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल. Hari 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 Hari
शोर भर करते हैं मोहन से प्यार, बस दो चार आदमी कोई जो डर से हाथ नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं क्या बना है मोहन। अरे मोहन भगवान का नाम है, भगवान से प्यार किया है तभी तो यहाँ आए हैं, हैं? अच्छा ऐसे हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भजन शुरू और नाचना भी शुरू, लेकिन यहाँ पता नहीं कि पिछले साल तो नाच रहे थे, दो साल पहले जब हम लोग आए थे यहाँ लोग नाच रहे थे, इस साल पता नहीं क्या हुआ, ठंड ज्यादा है क्या? हाँ ठंड ज्यादा तो नहीं है, तो आइए सब लोग एक बार जो जो प्रेम करते हैं बताइए उसे, तो खड़े हो जाए और एक ठंड का लगाए उनके नाम पर, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि एक सुहा जो है कार्तिक के महीने में वो दिया बुझने जा रहा है और तेल पीने की वजह से मतलब छलांग लगाई तीन बार, और पिछले जन्म में वो राजरानी बन गई है ना, इसलिए छलांग लगाने का महत्व बहुत है इस कीर्तन में नाचने का। तो आइए सभी लोग खड़े हो जाए दो मिनट और भगवान के नाम पे नृत्य करें। अरे मोहन Oh,
मुनि बर्जान कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जेनु वर्णिता। श्री नारद जी बोले व्यास देव, इसलिए तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिल रहा है, तुमने जितने बढ़ा चढ़ा करके ये दुनिया के धर्मों के बारे में जितने बताया, कैसे धर्म करें, कैसे पुण्य अर्जन करें, कैसे स्वर्ग जाए, कैसे फिर वहां से गिरे, फिर ये संसार चक्र में भटकते रहो, तुमने ये दुनियादारी धर्मों को विषय पर जितने बोला है ना, तुमने दिल खोल करके भगवान कृष्ण की महिमा को उतने नहीं जाना, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही। और तुम्हारी धर्म ग्रंथ को जो पढ़ लेना वो पागल बन जाएगा, क्योंकि शिव पुराण जब कोई पढ़ेगा वहां पर तुमने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर ही सब कुछ। जब तुमने देवी पुराण जब रचना की, अगर वो ग्रंथ को कोई पढ़ ले बोले भैया मैया देवी जगदम्बा जगत जननी, उनसे सब कुछ आएगा। जब जिसमें ब्रह्मा जी की महिमा लिखे, अगर उसकी ग्रंथ कोई पढ़े बोले ब्रह्मा तो दुनिया को सृष्टि तो उसने किया है। जब हनुमान जी की बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के, बोले हनुमान के मगर कुछ नहीं होता, हनुमान ही सब कुछ। जब गणेश जी की महिमा तुमने लिखी बोले भैया सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर ये सारे ग्रंथ कोई पढ़ लेना पागल हो जाएगा, वो सोच नहीं सकता है क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, भविष्य में इसको लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे सबके सब। देखो जो जीव है ना वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जो जीव है वो भगवान कृष्ण राम की अंश है। जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करे तब तक जीव को कल्याण उद्धार होने वाले नहीं। भले ही जितने सुंदर कविता हो जिसमें बड़े सुंदर अलंकार हो, अगर ठाकुर जी की कथा नहीं हो ना संत उसको आदर नहीं करते हैं। संत तो परमहंस है, जैसे कमल फूल का मधुपान करते हैं। भले ही ठाकुर की टूटी फूटी कथा हो लेकिन उसमें ठाकुर जी की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, बड़े आनंद से वो ग्रंथ को पढ़ते हैं। अगर तुम शांति सुख पाना चाहते हो ना अभी ये भागवत ग्रंथ रचना करो, इधर उधर देवादेवी की महिमा मत गया करो, क्योंकि जो कृष्ण है ना ये जितने सर्व कारणों का जो कारण ये कृष्ण है। अब लोग महाभारत देखे हो, कौन कौन महाभारत देखे हो, देखना जब अर्जुन युद्ध करना नहीं जा रहा था कृष्ण विराट रूप दिखाया, देखे कि नहीं। कृष्ण क्या कहते बोले हे अर्जुन मत परतर नान्यत किंचित अस्तनजय, मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ है नहीं, देख ले, ध्यान देख ले, सुनो अच्छे तरह से, इतना चीज समझ लो। जिसको तुम शंकर जी कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको माता देवी कहते हो देखो माता देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान जी कहते हो देखो हनुमान जी मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो ये गणेश मेरे अंदर में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो अर्जुन देख ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में है। तब उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाई, जैसे एक पेड़ है, जैसे पेड़ का जड़ में पानी दे दो ना आपको और कहीं पानी देने का जरूरत नहीं, पेड़ अपने आप हरा भर रहेगा। अगर आपने पेड़ की जड़ में पानी नहीं दिया तो उसको पत्ते में फल में फूल में पानी दो, दिन भर पानी देते रहो, बताओ वो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, बताओ। दिन भर उसका पत्ते में टहनिया में पानी देते रहो वो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा। लेकिन केवल जड़ में पानी दे दो क्या होगा, पूरा पेड़ में पानी चली जाएगी। दूसरा उदाहरण दिया जिसे भोजन, अगर मुंह में भोजन दे दो ना पेट में चली जाएगी, देखना तुम्हारी आंख भी देखेगी कान भी सुनेगी हाथ पैर सब काम करेंगे। कोई बोलेगा क्यों, आंख में देखते हैं ना थोड़ा डाल डाल दो, बोले कान में सुनते ना थोड़ा रोटी दे दो, हाथ में काम करते था चावल दे दो, ऐसे भी करते हैं। पेट में आहार देने पर पूरा सारी इंद्रियां सबके सब काम करती है। तो उसी तरह जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब, जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो जाती है उसको ऊपर में सब के सब उसको ऊपर कृपा कर देती है। इसलिए जो गोविंद देव है ना ये सर्व कारण का कारण ही भगवान श्री गोविंद देव, ये पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं है? इसलिए श्री नारद जी कहते हैं व्यास देव जब तक जीव भगवान की भक्ति प्रभु को प्रेम नहीं करते जीव का कल्याण नहीं। अभी एक भागवत बनाओ जिसमें भगवान और उनको शुद्ध भक्तों की कथा सुनाओ,
इसको द्वारा ही जीव को शांति मिलेगी है। तब श्री नारद जी अपना कथा सुनाए, देख सुन इस जगत में मैं इतने बड़े संत कैसे बना, मेरा जन्म तो किसी छोटी जाति घर में मेरे जन्म हुआ है, है? किसी छोटी जाति में मेरी मैया साधारणता थी, दूसरे दूसरे घर में काम करती थी। एक दिन चातुर्मास में कुछ संत लोग हमारे गांव में आए और उनके लिए पूरी सब्जी बनना शुरू हो गया। मेरी मैया ने देखा अगर ये संतों की थोड़ी बहुत सेवा कर दे फिर मुझे भी खाना मिल जाएगी और मेरे बच्चे को भी खाना मिल जाएगी। इसी भाव से मैया मेरी संत की सेवा की। अभी जो मैया जो करेगा बच्चे तो वही करेंगे ना, इसलिए पहला गुरु कौन है? पिता माता। पहला गुरु कौन है? पिता माता। सबसे पहले संस्कार पिता माता से ही बच्चे को पढ़ेगी। सबसे पहले बड़े गुरु श्री पिता माता। मैया संत की सेवा कर देंगे, अरे बेटा क्या करेगा, वो भी तो संत की सेवा करेगा, वो भी जाकर संत सेवा में लग गई। तो श्री नारद जी कहते हैं व्यास देव मेरे अंदर में ना विशेष करके दो गुण थी, यद्यपि संत समदर्शी सबको बराबर रूप में देखते हैं लेकिन मेरे अंदर में विशेष दो गुण थी, दो गुण से संत मेरे को खुश हो गए। बोले पहला गुण क्या था? बोले जब संत लोग बैठ कर हरि कीर्तन हरि चर्चा करते थे मैं साधारण बच्चे जैसे खेलता नहीं, मैं 5 साल का था, बैठ करके हाथ में ताली दे करके बोले गोविंद जय जय गोपाल, मैं भी भगवान का कीर्तन करता था। जब संत कथा करते थे 5 साल का था, बैठ करके सत्संग में सुनता था और सत्संग की रंग मेरे ऊपर में चढ़ना शुरू कर दी। जैसे संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगी तुम्हारी ऊपर में। अभी दूसरा गुण क्या था? मैं ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा बोलना भी गड़बड़ी है, फिर इसकी उधर की बुराई करोगे। ज्यादा बोलना तो ठीक है लेकिन दिन भर प्रभु का नाम जप करो, ज्यादा बोलना है ना, भगवान की कथा सुनाओ, ठाकुर का नाम जप करो, इसलिए ज्यादा बोलता नहीं था। संतों ने देखा भैया बड़ा सुंदर बच्चा है, इतने छोटा होकर की कथा सुनता है और संतों की सेवा करता है, हैं? कोई संत बोले थोड़ा फूल ले आओ ठाकुर के लिए, छोटा बच्चा था भागते भागते जाता फूल ले आता था, बोले चंदन घिंच दो चंदन घिंचता था, बोले माला बनाओ ठाकुर के लिए माला बनाता था। अभी संतों की कृपा मेरे ऊपर होगी। एक दिन संत लोग चर्चा कर रहे थे, देखो अगर प्रभु की प्रेम पाना चाहते हो 3 चीज को द्वारा जल्दी से जल्दी प्रभु का प्रेम मिलेगा। अब भी ध्यान से सुनो, बोले पहला चीज क्या है? बोले भक्त पद धूलि, संतों का चरण धूल। दूसरी चीज क्या है? बोले संतों का चरण जल चरणामृत। तीसरी चीज उनकी कथा व उनकी प्रसाद। बोले ये 3 चीज जितने जल्दी प्रभु को प्रेम देने वाले दुनिया में इतना जल्दी और कोई भी भगवत प्रेम देने वाले नहीं। एक दिन संतों ने प्रसाद पाए और पतल में कुछ प्रसाद छोड़ कर गए। मैंने सुना था संतों का प्रसाद में बढ़ा सकती है, संतों से आदेश लेकर के एक बार केवल संतों की मैंने झूठा निकाल ली, मेरे हृदय से काम क्रोध लोभ सबके सब दूर हो गया, मेरे हृदय में ठाकुर का प्रति प्रेम ठाकुर का प्रति रुचि प्रकट हो गई, भगवत अनुभूति होने लग गई। अभी 4 महीना होते ही संत लोग जाना शुरू किया, मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, लेकिन मैया की एक लौता संतान था, मैया मेरे को गोद में लेकर दिन भर बैठती थी बात करती थी, बेटा बड़ा होगा घर में बहू आएगी छम छम करके चलेगी नाती पोती होएगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। बोले मैया इसमें क्या बात करती रहती है, कोई भगवान की कथा नहीं, बेटा बड़ा होगा शादी होगी। जब संत लोग चलना शुरू कर दी मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, लेकिन मैया जाने नहीं दी। लेकिन संत लोग जाते समय मेरे को एक मंत्र देकर गए, बोले बेटा ये मंत्र को जब जब तुम्हें फुर्सत मिले ये मंत्र को जप करना। बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्नाय, ऐसे एक मेरे को मंत्र प्रदान करके गए। अभी जब जब मेरे को फुर्सत मिलता था मैं प्रभु का मंत्र जप करता था, लेकिन देखो ठाकुर जी कहते हैं जेकर अमर आस तार करी सर्वनाश, यदि ना छाड़े अमर आस तभी करिता दासर दास, समझते हो बगला? ध्यान देख रहे सुनो, ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे चरण का आस लेता है ना मैं कभी कभी संसार का सारे बंधन का वस्तु खत्म कर देता हूं, अगर फिर मेरा आस नहीं छोड़ता है फिर उसको मैं अपना दासों का दास बनाता हूँ। इसलिए भगवान कभी कभी थोड़ी परीक्षा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी परीक्षा। इस जगत में देखो आप कोई नौकरी के लिए 25 साल पढ़ना पड़ता है कि नहीं,
25 साल कितने कष्ट करना पड़ता, कितने लाख रुपया खर्चा करते हो तभी जाकर कोई एक डिग्री को प्राप्त करते हो, फिर क्या पैसा पाकर सुखी हो जाता है? नहीं। लेकिन ठाकुर जी इतने बड़े प्रेम संपत्ति देंगे, जो नौकरी मिलने पर है ना, तुम्हारे जीवन का दुख कष्ट दारिद्र जन्म मृत्यु चिर काल के लिए समाप्त हो जाएगी। ठाकुर जी वो दुर्लभ प्रेम प्रदान करेंगे, उसके लिए थोड़ा परिज्ञा नहीं करेंगे। इसलिए ठाकुर जी का तो जो मेरा आस करता है ना, उसको मैं सर्वनाश कर देता हूँ। फिर अगर मेरा आस नहीं छोड़ता है, फिर तो मैं संतों का दासों का दास बना देता हूँ। इसलिए अभी उनकी मैया शाम के समय में गोदहन करने गई थी, इतने में एक जहरीले सर्प को ऊपर प्यार पड़ा, इतने में सर्प ने उसको काट दिया, वहीं पर मेरे मैया वहीं पर गिर पड़ी। किसने कहा? नारद जी, तेरे मैया को तो सांप ने काट दी। दुखी तो हुआ लेकिन आनंद भी मिला, अभी मेरे को रोकने के लिए कोई नहीं, अभी तो भजन के लिए जा सकता है। बोले वहीं से मैंने भजन करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं, देखो क्या परीक्षा ली। दो सेठ सेठानी थे, घर में कोई औलाद नहीं, अथा संपत्ति, ये देखने में बड़ा प्यारा था नारद जी, बड़े सुंदर 5 साल की बच्चा। उन्होंने देखा इतने छोटे बच्चा अकेला कहाँ जा रहे हैं। बोले बेटा एक बार हमारी गोद में बैठ जा, और हमें एक बार अपना पिता माता बोल दे, हमारे सारे संपत्ति का मालिक तू बन जाओ। बोले भैया बैठूंगा तो ठाकुर का गोद में बैठूंगा, सबको गोद में नहीं बैठूंगा। वहां पर गए, एक राज्य में राजा ही नहीं, हाथी सोने का कलसी लेकर घूम रहा है, जिसको सर पर डालेगा वही राजा बनेगा, मेरे सर पर डालती। बोले भैया देश का राजा हमें मिल गया। बोले भैया कौन सा राजा? हम भैया राजा राजा हम भी बनने वाले नहीं। उसका मोह भी मैंने त्याग दी, घोर जंगल में प्रवेश किया और सोने की खान हमने देखा। लेकिन उसकी मोह भी मैंने त्याग दी, घोर जंगल में प्रवेश किया, बड़ी सुंदर सरोवर जिसमें चार तरह का कमल फूल खिले हुए, बड़ी सुगंधी भौरा बढ़ा रहे हैं। मैंने पेट भर करके मैंने वो पानी को पिया, और संतों ने जो हमें मंत्र दिया था, बैठ करके मैंने वो मंत्र को हमने जप किया, और मंत्र जप करते 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 मेरे हृदय जब निर्मल हो गया, फिर ठाकुर जी का एक झांकी, मैंने ठाकुर जी को एक झांकी दर्शन किया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो नारद जी कुछ दिन भजन करके ना ठाकुर का दर्शन कर लिया। लेकिन कभी कभी हम बड़े दिनों से भजन कर रहे हैं, कभी कभी माला जप करते करते काली हो गई। बोले गुरुदेव माला तो काली हो गई, अभी तो ठाकुर दर्शन दिए, अभी तो ठाकुर का कृपा नहीं हो रही है। देखो अगर सही सही भजन करेंगे ना, ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय एक गुरु जी का दो चेले थे। गुरु जी ने दोनों चेले को दो आम की गुठली दी। बोले देख बच्चे, अगर ये आम की गुठली लगाओगे ना, पहले तो अंकुर आएगा, दो पत्ते आएगी, टहनी आएगी, बड़ी सुंदर घर को सामने बोओगे ना, बड़ा सुंदर छाया देगी, और सुंदर सुंदर फल होगा, उसको बिजनेस में भी लगा सकते हो, तुम खा भी सकते हो। दोनों चेले को दे दी। एक चेला ने किया क्या, घर को सामने गया, गड्ढे खोद करके उसमें आम की गुठली डाल दी और पानी दे दिया, ढक दिया, अपना घड़ी लग बैठी। बोले एक घंटा हो गया, मिट्टी हटाया। बोले कुछ नहीं। बोले गुरु जी तो झूठ बोलती है। फिर ढक करके पानी दे दिया, फिर 2 घंटा बैठा, फिर मिट्टी हटाया, देखा कुछ भी नहीं हुआ। बोले गुरु जी मेरे को तो धोखे दिए। फिर उसने रात भर बैठा रहा है, सबेर फिर मिट्टी को खोदा, देखा कुछ नहीं। बोले गुरु जी मेरे साथ में धोखेबाजी की है, पेड़ होगा फल देगा, बेकार, रात भर मेरे को नींद नहीं आई, सवेरे वो गुठली लेकर गई और गुरु जी को मारी। बोले गुरु जी मेरे साथ में मैंने धोखे दिए हो, हैं? अंकुर होगा, पत्ता होगा, कुछ नहीं हुआ, रात भर मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन तो दूसरे जो चेला था ना, उसने गुरु जी की कतना गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐका आर ना करिया मनास। गुरु जी ने जो हरिनाम दिया है वो हरिनाम नहीं दिया, गुरुदेव हमें भगवान स्वयं दिए, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। गुरुदेव हमें भगवान दिए, ठाकुर जी को दिए, इसलिए विश्वास पूर्वक प्रभु के नाम जप करनी चाहिए। ये जगत का कोई बिजनेस फेल हो सकती है, लेकिन ये भक्ति का बिजनेस में कोई अभी तक फेल हुए? मीरा फेल हुई, हनुमान जी फेल हुए, सूरदास जी फेल हुए, ध्रुव प्रहलाद फेल हुए, ये बिजनेस है ना। मीरा कहती है
दीन दीन बड़त सभायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भक्ति में दीन प्रति में भक्ति बढ़ती है, कभी भक्ति घटती नहीं है। अभी गुरु जी ने बताया अंकुर होगा तो पत्ता होगा, इसलिए धैर्य धारण करनी चाहिए, धीरज धारण करनी चाहिए। उसने ठीक घर को सामने बीज को गाड़ दिए और उसमें पानी दिए, 10 दिन ही हो गया ना, देखा सचमुच से अंकुरित आया, बड़ा खुश हो गया, गुरु जी सही बताए। फिर जब 20 दिन ही हो गया उसमें 2 पत्ते आया, बोले अरे गुरु जी तो सही बता रहे थे। फिर जब 1 महीना हो गया थोड़ी सी वृक्ष हुआ और भी आनंद आया, जब 2 महीना हो गई वृक्ष और थोड़ा बड़ा हुआ, उतना उसका मन में आनंद आ रहा है। जब 1 साल हो गई बड़े सुंदर पेड़ हो गया, जब 2 साल हो गया ना वृक्ष डबल हो गया, और जब 3 साल हुई पूरा घर को पूरा छाया कर दी और बड़े सुंदर सुंदर फल फूल आए, बड़े सुंदर सुंदर फल आया। जब पहला फल था जो पक्का उसने लेकर के गुरु जी को दिया, बोले गुरु जी आपने जैसे बताया था मैंने ठीक वैसे ही किया, ये पहला फल है, आप लो ठाकुर को भोग लगा कर प्रसाद पाना। और इतने आम हुई उसने खाया भी और मार्केट में लेकर बेचा भी, अपना संसार भी पला। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भैया भक्ति करने के लिए 6 चीज की जरूरत है। बोले क्या चीज 6 है? उत्साह, मन में उत्साह हो, धैर्य धीरज धारण करो, तत्त कर्म प्रवर्तना, संतों लोगों ने जो मार्ग में गए वो मार्ग को अपनाते रहो, संगत त्यागात असत संग को त्याग दो, हाँ सत्तो वृत्ति संतों की चरित्र जैसे जैसे भजन किया वैसे करो। अगर ये सब चीज को फॉलो करोगे एक दिन जरूर तुम्हें भगवान मिलेंगे ही, भले ही दुनिया में और कोई चीज नहीं मिले, फेल हो सकते हो लेकिन भक्ति में कोई फेल कभी हुए नहीं, भक्ति में सब सक्सेसफुल हुए। इसलिए श्री नारद जी गुरु जी की दिया हुआ मंत्र को उसने ठीक ठीक जप किया ना, ठाकुर जी को एक झलक दर्शन मिला। झलक कब दर्शन मिलता? बोले भावावस्था में। तब श्री रूप गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना करते हैं भावावस्था में क्या होता है, कभी कभी ठाकुर जी की मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलेगी, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए अपना अधरा मृत पिला करके चले गए, वह अपना होठ का चाटना शुरू कर देता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है ठाकुर जी आकर उसको स्पर्श किया और उसको रोंगट खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाती हैं। कभी कभी ऐसे लगता है ठाकुर जी के चरण की जो नुपुर छम 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 आवाज उसको सुनने को मिलेगी। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी मेरे साथ में प्रकट हो गए और इतने सुंदर इतने प्रकाश है, आप एकदम उलझ जाती है आप, कहती है भाव का लक्षण है। इसलिए प्रभु की एक दर्शन से उसको आंखों से तो आंसू की झरी बहने लग गई, लेकिन ठाकुर जी फिर अंदर ध्यान हो गए, वो तो बड़ा दुखी होकर रोने लग गया। बोले ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, आप एक झलक दे करके कहां चले गए। उदाहरण दिया जैसे जेठ की महीना कड़ी धूप, कोई धूप से आया छाती फट रहा है प्यास के मारे, किसने एक गिलास शरबत लेकर के एक घुटन पिला करके निकाल देगा, क्या लगेगा उसको बताओ? बोले भैया पिलाना नहीं तो पिलाता नहीं, एक घुटन पिला कर तुमने सरका क्यों दिया है। ऐसे ही कहते प्रभु दर्शन देते नहीं, लेकिन दर्शन देकर कहां चले गए, जो रोने लग गए। बोले देखो अभिपक को कसाया नाम दुर्दश हम कुछ मिला, अभी तुम्हारे अंदर में कुछ कमी है, इसलिए एक झलक दर्शन दिया, तेरे को उत्साह को बढ़ाने के लिए दिया। चिंता मत करो फिर अगले जीवन में फिर मेरे को दर्शन मिलेगा। अगले जीवन में नारद रूप में जन्म ग्रहण किया, श्री गिरिराज तलेटी में भजन की, जब भजन की सिद्धि हो गई फिर श्री राधा रानी दिव्य रासों में श्री जुगल सरकार की दर्शन मिली। फिर राधा रानी अपना प्रसाद बिना श्री नारद जी को दिए और नारद जी कहते जब जब मेरे मन में इच्छा होती है तब तक मैंने जब बिना जब तक बजाता हूँ ठाकुर जी साक्षात रूप में दर्शन देते हैं, दौड़ दौड़ आकर के दर्शन देते हैं, जहां चाहता हूँ
अगर वैकुंठ जाना चाहता हूँ वैकुंठ पहुंच जाता हूँ, अगर अयोध्या जाना चाहता हूँ अयोध्या चला जाता हूँ। ये मन जितने तेजी से गति करती है उनका शरीर भी उतना तेजी से गति करती है। सर्वत्र मैं प्रभु का नाम को कीर्तन करते हुए सबको भक्त बनाता हूँ और भगवान का कीर्तन करता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कोई जयकार नहीं दे रहे भगवान की। जितने जोर जयकार दोगे ना ठाकुर को तो जय जय है ही, जितने जोर से जयकार दोगे उतना पाप तुम्हारी खत्म होगी और उतना पुण्य उदय होगा, उतना घर में शांति सुख मिलेगी। इसलिए जोर से एक बार जयकार दो। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, अभी लग रहा है जयकार दे। इतने में श्री व्यास देव को बोले, अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो ये भागवत ग्रंथ को बनाओ। व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए पूरा गोलोक वृंदावन दर्शन किया। जुगल सरकार के साथ में सब सखा सखियों को दर्शन की, फिर उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बड़े सुंदर है लेकिन पढ़ाएंगे किसको, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ब्रह्मज्ञानी बनकर चले गए। हाँ जिसके लिए बनाया वो तो चले गए। व्यास देव की चार ही चले थे। बोले देखो चले हो, मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारी तोते, हमें क्या पता आपका तोता कैसे। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं चारों को चार में श्लोक सिखा देता हूँ मंत्र। ये मंत्र सुन करके जो अपने आप पकड़ में आएगा समझना वही तोता मेरी है। उन्होंने पहले चेले को उन्होंने सिखाए कृष्ण कितने प्यारे हैं, हमारे जी गोविंद देव कितने सुंदर श्री गोविंद देव है। कहते ना बांके बिहारी की, देख छटा मेरे मन है गयो लटा बटा, ये कृष्ण कितने सुंदर है। कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती है, जानते हो क्या ताना मारती है? बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती कर। बोले अच्छा हुआ भगवान तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर, अगर तू लाली होता है ना ये दुनिया में जितने क्षत्रिय है तेरे को पाने के लिए आपस में युद्ध करके सबके सब खत्म हो जाते। अच्छा हो गया तू लाला बन गया लाली नहीं हो करके, क्योंकि गोपियां उनको ताना मारती हैं। इसलिए हमारे से रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो गोविंद देव है ना तो इनके लिए कहते हैं, बोले खबरदार वृंदावन मत जाओ। बोले भैया वृंदावन तो जाने के लिए हम तैयारी बैठे हैं, अभी तो हम वृंदावन में खड़े। बोले वृंदावन चले गए? बोले ध्यान लगा कर सुनो। बोले क्या है? बोले वहां पर किसी तीर्थ घाट में तो प्यार नहीं पड़नी चाहिए। बोले मैं तो वहीं पर खड़ा हुआ हूँ अभी स्नान करने वाले। बोले वहीं पर खड़े? बोले हाँ। बोले ध्यान और एक बात सुनो। बोले क्या? बोले वहां पर जो गोविंद देव है ना उनकी मंदिर में प्यारी नहीं पड़नी चाहिए। बोले मंदिर में तो खड़ा ऑलरेडी हूँ। बोले वहीं पर खड़े? बोले हाँ। बोले खबरदार उनको नजर से नजर मत मिलाया कर, उनको देखो मत। वो जो मिठी मिठी मुस्कुरा रहे ना, मुस्कुरा नहीं वो चाकू जला रहेंगी, वो बंसुरी नहीं वो तीर है। उनका जो तेरी चितवन नहीं वो तीर है, उनको जो मीठी मीठी नहीं वो ऊपर से तो मीठी मीठी हंसते हैं अंदर से चाकू चलाते हैं। इसका मतलब है कि एक बार अगर उनको दर्शन करोगे ना फिर दुनिया में किसी चीज को देखने की इच्छा नहीं करेगा। अगर पति देख लेगा तो पत्नी को भूल जाएगी, अगर पत्नी देख लेगा तो पति को भूल जाएगा, बच्चे देख लेगा तो पिता माता को भूल जाएगा, पिता माता देख लेगा तो बच्चे को भूल जाएगी। इसलिए खबरदार उनको दर्शन में तो क्या करो। ये जो गोविंद देव के लिए संत कहते हैं जिसने ये ठाकुर को प्रकाशित किया, मतलब क्या है? वो कहते भैया अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो एक बार गोविंद देव को देख कर देखो ठाकुर जी कितने सुंदर है। इसलिए जो पहला जो श्लोक है श्री राधा रानी ये वेणु गीत में कृष्ण कितने सुंदर गोविंद देव है उन्होंने ये श्लोक है। बोले बराहा पीड़म नटवर बपो करनयो करनिकारम विप्रत वास कनक कपि स्वयं वैजयंती च मालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। ये श्लोक का मतलब है बोले बराहा पीड़म, बोले कृष्ण के सर में क्या है? बोले मोरपंख। बोले मोरपंख ठाकुर जी क्यों लगाए, दूसरे चीज क्यों नहीं लगाए? तब हमारे गोस्वामियों ने उसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए। तब उन्होंने पांच कारण बताए कृष्ण मोरपंख क्यों लगाते हैं। आज सुनना मेरे को कल बताना कृष्ण मोरपंख क्यों लगाते हैं।
बल्कि पहला कारण बताई जो मयूर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, है? दूसरा कारण बताए कि जो मयूर पंख है कभी राधा रानी बरसाना में मयूर एक कुटी है, है? मयूर कुटी जहां पर श्री राधा रानी का भी मयूरी बनी थी। तीसरा कारण बताए कि जो मयूर का नृत्य सबसे सुंदर नृत्य, कभी देखे मयूर नृत्य है बड़ा प्यारा नृत्य है, इसलिए इसलिए कृष्ण का नाम नटवर, नटवर मतलब शंकर जी नटराज है, और हमारे श्री बांके बिहारी जी कहते हैं नटवर, नट मतलब शंकर जी, बर मतलब शंकर जी का जो बर मतलब पति, बोले भैया शंकर जी के पति कैसे हुए, बोले कृष्ण जब रास करेंगे शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास में आएंगे, बोले भैया गोपियों का पति कौन है, बोले से कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण सबसे सुंदर नृत्य करते हैं, ये हमारे श्री मयूर बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, इसलिए कृष्ण मयूर पंख लगा कर कहते हैं मैं सबसे सुंदर नृत्य करने वाला। कितना कारण हो गया, अब लिख नहीं रहे, कहते इसमें तीन कारण हो गया। चौथा कारण बताए, एक दिन कृष्ण चल रहे थे, देखा एक मयूर पंख मेन रोड में पड़ा हुआ, पंखे ने कहा कृष्ण मैं जिसको पीछे लगा हुआ था देख मेरे को छोड़ दिया, मैं मेन रोड में पड़ा हुआ हूँ मेरे को कोई गति नहीं, बोले चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते है ना उसको पूछने वाला मैं हूँ, इसलिए कृष्ण मयूर पंख उठाया कहाँ पर स्थान दिया अपना सर पर उन्होंने लगा दिया, ये चौथा कारण है। पंचमा कारण बताए, मयूर कब नृत्य करता है, देखना आकाश में जब काला मेघ छा जाए और बिजली चमकने लगे गड़गड़ शब्द हो तभी ये मयूर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, कृष्ण का रंग कैसे मेघ जैसे, उनको शरीर में पीतांबर कैसे बिजली जैसे, और बंसुरी बजा रहे थे कैसे गड़गड़ जैसे, इतने में मोर ने पंख खोल कर कहता नृत्य करना शुरू कर दिया। देखना जब कोई व्यक्ति नृत्य करता हम क्या करते हैं, 10-20 रुपया घुमा कर उसको देते हैं, अभी मोर तो खुश हो गया, बोले आज कृष्ण इतने सुंदर बंसुरी बजाए जिससे मैंने नृत्य की, कृष्ण कुछ देनी चाहिए लेकिन मेरे पास में तो कुछ है नहीं, पंख ही मेरे पास में, इसलिए उसने अपना पंख को झाड़ दिया तो पंख गिर पड़ा, ये प्रेम की उपहार है, इसलिए पंख को उठाया और उन्हें अपना सर पर उन्होंने लगा दिया है, इसलिए कृष्ण इस मयूर पंख लगाने का ये सब कारण है। बोले बराहा पीड़म नटवर बपू, इनकी स्वरूप कैसे तीन जगह से टेढ़े है, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है, बोले टेढ़े क्यों, बोले कोई सीधा चीज अंदर में चली जाए निकल जाएगा लेकिन कोई टेढ़े चीज घुस जाएगा ना वो निकलेगा नहीं, मतलब है कृष्ण टेढ़े हैं, अगर किसका दिल में एक बार, अभी प्रभु जी भजन गा रहे थे ना, टेढ़े से क्या गा रहे थे, मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जाने या वो जाने, इसलिए जब से उसके दिल लग गया सारा दुनिया में मेरी बदनामी हो गई, हाँ कृष्ण को पीछे कोई काम धंधा ही नहीं, सत्संग में भागो घर में काम नहीं, जब जब कहीं सत्संग हो भागोगे ही, भगवान के भजन को पीछे पीछे भागते रहो, इसलिए कृष्ण तीन जगह में टेढ़े हैं, नटवर बोल करने हो कर्णिकारम, दो कान में एक कन्हियरी पुष्प जानते हो, देखे कि नहीं कन्हियरी पुष्प को, हाँ दो कान में एक, बोले एक क्यों लगाते हैं, जब कृष्ण नंद भवन में रहते हैं वो गोपियों को नहीं बता सकते मैं आज किधर जाऊंगा, वो जिधर जाएंगे ना उस कान पर लगा देंगे और ऐसे कर देंगे, बोले गोपिया इधर आ चलिए आज मैं इधर जाऊंगा आज गया चराने के लिए, इसलिए दो कान में एक कन्हियरी पुष्प धारण करते हैं, बोले भाई जयंती जमाला गले से लेकर चरण तक फूलों की माला पहनते हैं, बोले कभी 5 रंग की कभी 7 रंग की, बोले क्यों, बोले भगवान की जो भक्ति 12 रस से होती है उनका 5 मुख्य रस 7 गौण रस है, माने सब भक्तों को ठाकुर जी हृदय में सब भक्तों को धारण करके रखे हैं, और बजाते क्या, बोले बंसुरी, बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले बंसी में 2 गुण है, अगर हमारे अंदर में 2 गुण हो जाएगा ना ठाकुर हमें भी बजाना शुरू कर देंगे, देखो 2 गुण क्या बंसी में, क्यों कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, पहला गुण है बंसी अंदर से फोला है फोला हुआ, ठाकुर जी कहते मेरे पास में आओ ना हृदय को खोल करके आओ, हृदय में भर करके नहीं, और दूसरा गुण कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी से आवाज वैसे निकलती है, कृष्ण कहते मैं जैसे चाहता हूँ तुम वैसे बन जाओ फिर तो बजना शुरू हो जाओगे, इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है अगले जीवन में मैं और राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके, बोले क्यों, बोले कृष्ण गोप में गोपी,
कृष्ण की अधरा मृत में मेरी अधिकार, लेकिन ये बंसुरी तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके सारे रस यही चूस रहा है। कृष्ण अधर कितने सुंदर लाल रंग के, लेकिन इस सारे रस को वही चूस लिए। कृष्ण का अधर देखो कैसे नील कैसे हो गया है, कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी अधर में, कभी बंसी को छोड़ते नहीं, कभी दिन रात उसको पास में रखते हैं। इसलिए राधा रानी कहती है अगले जीवन में मैं तो बंसुरी बन करके आऊंगी, फिर गोविंद देव मेरे को सब समय पास में रखेंगे। और क्या सौभाग्य, आप मेरे तरफ में देखो बंसुरी ऐसे बजाते ना, कहते जैसे राजा महाराजा की सेवा हो रही है, हैं? जैसे कोई राजा के लिए डल्लम गदी, उसके लिए उनका अंगुल कैसे डल्लम गदी, फिर ये अंगुल चलाते हैं ना, बोले अंगुल नहीं, जैसे राजा महाराज की चरण की सेवा हो रही है, बंसुरी की सेवा कर रहे हैं, बोले कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं, जैसे किसी राजा के सर के ऊपर छत्र धारण करते हैं, आंखों की पलक झपती है, बोले पलक नहीं झप रही है, जैसे राजा महाराज की हवा देते हैं, उनको पंखा झुलाती है। इसलिए राधा रानी कहती अगले जीवन में मैं तो ये बंसुरी बनकर आऊंगी और मैं राधा ही नहीं बनूंगी। बोले इतने बंसुरी की भगवान, इतने बंसुरी की सेवा ठाकुर जी करते हैं। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, ये वृंदावन धाम निज को धन्य धन्य मानती है, अहो भाग्य है, क्यों हर अवतार में प्रभु पादुका धारण किए, लेकिन केवल कृष्ण अवतार में प्रभु नंगे पैर में ये वृंदावन में भ्रमण किया। इसलिए उनके जो घास नहीं कहते घास नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी की जैसे रोंगटे खड़े हो गई है, उसमें झरना, बोले झरना नहीं, जैसे आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, हैं? इसलिए देखो कि वृंदावन धाम की कितने महिमा, बोले श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण के नैया। जब पहला चेला ये श्लोक को बोल रहा था, सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी मतलब क्या, भगवान को जो निराकार निर्विशेष मानते हैं, भगवान के नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लेकिन भगवान तो कन्हैया बड़े गोविंद देवते बड़े सुंदर है। लेकिन जब ये श्लोक को उन्होंने सुना, एकदम पागल हो गए, सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को त्याग दिया, बाहर निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला? बोले हमारे गुरु जी ने बोला ये श्लोक जो सुन करके जो तोता पकड़े में आएगा, तोता वही मेरी तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ। बोले भैया वो देखने तो मैं तो बड़े सुंदर है गोविंद देव। दूसरी प्रश्न करते हैं, भले भैया देखो बड़े सुंदर उदाहरण दिया, भक्ति करे तो कृष्ण क्यों करे, गोविंद देव तो क्यों करे, और भी तो देवता है। देखो ये श्लोक में ये चीज को समझा रहे हैं, आप भी ये चीज को समझ लो। इसी जगत में जैसे किसी लड़की को आप कहीं शादी देना चाहते हो, किसी लड़की को शादी दोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, वो लड़का देखने में कैसे, भले ही कोई चीज मत देखो, भले भैया उसका पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, लड़का बड़ा सुंदर है। इसलिए गोविंद देव इतने सुंदर, उनके बराबर जगत में कोई सुंदर है ही नहीं। इसलिए पहला श्लोक में बताया सबसे सुंदर हो तो कृष्ण ही। दूसरा, भैया देखने में तो सुंदर है लेकिन कमाता धमाता की यही नहीं, ऐसे नहीं लड़की को शादी देंगे लड़की तो भूखी नहीं रहेगी, दूसरे चीज देखेंगे कोई पैसा पास में है कि नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न किए, बोले भैया तू जो बता रहे हो कृष्ण बाक्य बिहारी सुंदर है, लेकिन रहता है कहां पर, कोई कमाता धमाता की है नहीं। दूसरा चेले ने दूसरे श्लोकों को बोले, बोले जयति तेधिकाम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सास्वदत्रय। बोले कमाता धमाता, जानते हो वो क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से बमाना, जहाँ हजार हजार लक्ष्मियां जहाँ झाड़ू लगाती हैं वृंदावन में, वहां का भूमि चिंतामणि, वृक्ष कल्प वृक्ष, पानी अमृत वहां पर है। अगर बेटी को शादी दोगे ना, मतलब उससे प्रेम करोगे ना, माला माल आएगी, खूब पैसा उसको पास में, ठीक है पैसा। तीसरा प्रश्न करते हैं, उसका परिवार कैसे है, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा करने वाले तो नहीं, बेटी को शादी देंगे फिर इतनी लड़ाई झगड़ा होगी, बेटी भाग भाग करके छोड़ तो नहीं आ जाएगी, उनका परिवार कैसे। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च,
बोले भैया उसका पिता का नाम नंद, बोले नंद मतलब क्या, सबको जो आनंद देता है। बोले मैया का नाम बोले जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो जस देती है। बोले भैया का नाम बोले दाऊ भैया, अरे वाह परिवार तो बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर परिवार। हाँ देखो चौथा चीज देखो, ये सबसे कीमती चीज है, बेटा देखने में सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं, परिवार भी सुंदर। चौथा प्रश्न करते हैं उसका नेचर कैसे, वो बच्चा का नेचर कैसे। घर में भले ही सब कुछ है लेकिन अगर उसका बड़ा क्रोधी बात बात मारता है, हैं? और दिन भर शराब पीकर घर में पड़ा रहेगा, हैं? उल्टा पुल्टा जुआ दिन भर खेलता रहता है, भले ही वो जितने सुंदर हो पैसा हो आप बेटी दोगे शादी, तू तो अपना जगह पर रहो, जरूरत नहीं बेटी देने का। इसलिए चौथा पूछा उसका नेचर कैसे, चौथा चेला ने बोले बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाधि। बोले भैया बांके बिहारी गोविंद देव जैसे जगत में कोई दयालु है नहीं। उनने उदाहरण दिया, पुतना जब कृष्ण के पास में गई थी, पहला नंबर में था पुतना, पुतना जो अपवित्र, दूसरे नंबर में थी राक्षसी, तीसरे नंबर में भगवान के लिए विष लेकर गई थी, चौथा नंबर में सारे बच्चों को खून पीने वाली थी, लेकिन हमारे कृष्ण गोविंद देव इतने दयालु है। बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना कहो, ठाकुर जी किसकी अवगुण का प्रति नजर नहीं, लेकिन वो जो माँ की रूप धारण करके गई थी, एक बार केवल ठाकुर को माँ की पुत्र रूप में ठाकुर जी को देख लिया, ठाकुर जी उतने में रीझ करके उनको गोलोक वृंदावन स्थान दे दिया। कहाँ स्थान दे दिया उसको, गोलोक वृंदावन में मैया की पद दे दिया उसको। सुखदेव गोस्वामी जब इतना सुने पागल हो गए और हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मा, भैया ऐसे गोविंद देव को छोड़कर और किसको भजन करेंगे, भजन करना तो किसको करो, श्री गोविंद देव कृष्ण को ही करो। बोले दूसरे देवादेवी को क्यों नहीं करें, बोले अगर दूसरा देवादेवी भी करोगे, अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई ना तुम्हारी पूजा में, अगर थोड़ी सी तुम्हारी पूजा में गड़बड़ी हो गई, लेने का देना पड़ जाएगा, एकदम उल्टा रिएक्शन, एकदम झट उल्टा रिएक्शन होगी, लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा रिएक्शन कभी नहीं होगी। बोले क्यों, भगवान भाव ग्राही जनार्दन, भगवान तुम्हारी उपहार को नहीं देखते हैं, ठाकुर जी तुम्हारे भाव को देखेंगे, भाव के भूखे प्रभु, भाव ही सार है, और भाव से जो उनको भजन करे भव से बड़ा पार है, केवल भगवान भाव को देखने वाले। और सुखदेव गोस्वामी आए और पूरी उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो जो कल है ना, कल भागवत की चौथा दिन है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, कितना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, कोई नहीं बोल रहा जय कन्हैया लाल। जब मैया जसोदा गर्भधारण की, ब्रज के जितने गोपियां थी ना, वो छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा बना कर रखे और बड़े सुंदर चुंदरी बना कर रखे। बोले कन्हैया जन्म लेंगे तो हम इसको पहन करके मैया जसोदा को बधाई देने जाएंगे, इसलिए कल कन्हैया जन्म होने वाले, ये जितने गोपियां बैठे ना सब 84 गज की लहंगा। हम सब राजस्थानी ना, हम लोग सब राजस्थानी ना क्या है, राजस्थानी भी है ना, इसलिए बढ़िया लहंगा चुंदरी पहन करके, हाँ क्योंकि ठाकुर जी भाव की भूखे हैं, जो शादी का समय में जो लहंगा चुंदरी जो पेटरा में बंद कर रखे सब खराब हो रहा है, उसको सब निकालना, ठीक है ना, उसके निकाल करके बढ़िया सज धज करके भगवान को कल बधाई देने के लिए आना, ठीक है। कल बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म महोत्सव का हम कल पालन करेंगे, ठीक है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। आप लोग तो लहंगा चुनरी पहन के भैया लो क्या मेरे, अगर हो सके आप लोग कोशिश करना, हमारे प्रभु जी तो बड़े सुंदर धोती पहने, इसलिए अगर धोती हो तो अच्छी बात, अगर धोती नहीं हो, अगर सफेद रंग का अगर कुर्ता पैजामा हो है उसको पहन करके आना,
और ज्यादा से ज्यादा कल भक्त लोगों को लेकर गाना, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग लेकर गाना। और कल बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव मनाएंगे, कल वामन देव भी जन्म लेंगे, नरसिंह भगवान, कल सर भगवान जन्म लेने वाले, ठीक है। अगर हो सके तो उसमें जो लुटाते हैं ना नंद के आनंद भयो, हो सके तो कुछ टफी वगैरह हो, कोई खिलौना हो लेकर के आना, जैसे बच्चे का बर्थडे में, असली बच्चे तो हमारा भगवान है, है? जैसे बच्चे का बर्थडे में हम कितना क्या करते हैं, असली बच्चे तो ठाकुर है, अगर उनको एक बार बच्चे बना लो ना, जन्म जन्मांतर का है वो, आपकी माँ रूप में कभी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर अपना पास में रख लेंगे, ठीक है। अभी भगवान नारायण भी आने वाले हैं, ध्रुव जी आने वाले हैं। हाँ देखो, यहाँ पर श्री परिकृति महाराज, जिस समय उन्होंने श्री परिकृति श्री भगवान कृष्ण चले गए, पांडव भी वो दुनिया छोड़कर चले गए, जब चले गए जाने से पहले उन्होंने परिकृति महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाए। परिकृति महाराज एक दिन उन्होंने बड़े अपशक में देख रहे थे, जब उन्होंने भ्रमण करते करते गए एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया दुखी होकर के रो रही, एक बैल की तीन प्यार है नहीं, एक प्यार में खड़ा हुआ है, और एक शूद्र राजा वो एक प्यार को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, और वो बैल बड़े जोर जोर से रो रहा था। परिकृति महाराज मयान से तलवार निकाल कर झपट पड़े, बोले ये कौन है गैया जो रो रही है, बोले ये पृथ्वी है, बोले क्यों रो रही है, बोले कृष्ण चले गए, कलयुग आएगा, लोग पाप कर्म करेंगे, ये पाप को मैं कैसे सहन करूं, तो ये तीन प्यार जिसकी है नहीं ये कौन, बोले धर्म, बोले एक प्यार में क्यों खड़ा हुआ, बोले कलयुग में धर्म एक प्यार में खड़ा हुआ, धर्म का तीन चरण समाप्त हो गया, बोले ये राजा शूद्र कौन है, बोले ये कली है, बोले ये क्या कर रहा है, बोले एक प्यार को भी मार करके हम खत्म कर दे तोड़ करके, कलयुग में कोई धर्म कर्म ही नहीं रहे। परिकृति महाराज बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारी प्रवेश नहीं, बोले प्रभु जब सबके सबको आपने स्थान दिया मेरे को भी स्थान दो। अभी परिकृति महाराज सोच रहे हैं कलयुग में तो अधर्म अधर्म है ही है, लेकिन कलयुग में केवल एक गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि धर उतरे पारा, इसलिए कल दोष नहीं धराज, कलि में दोष ही दोष है, लेकिन अस्ति एक महान गुण, कलयुग में एक विशेष गुण है, बोले कीर्तना देव कृष्ण सब उत्तम बद प्रज परम ब्रज, अगर थोड़ी सी ठाकुर का कीर्तन कर लो कीर्तन से हमारी उद्धार हो जाएगी, इसलिए विशेष करके देखा ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग, बोले क्यों, बोले इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार करेंगे, इसलिए कलि ज्यादा प्रभाव को विस्तार नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने श्री कलि को उन्होंने स्थान दे दिया। आप लोग ध्यान देख रहे विष्णु, कलि को उन्होंने चार जगह पर स्थान दिया, अगर कलयुग में चार नियमों का पालन कर लो और थोड़ी सी हरि कीर्तन करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी सी हरि कीर्तन से जीव का उद्धार हो जाएगा है, लेकिन उन्होंने कलि को चार जगह पर स्थान दिया, मतलब अगर चार नियम का पालन करते हुए हरि नाम करो। उदाहरण दिया, जैसे आपको बहुत कोई कठिन बीमारी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, वो डॉक्टर सचमुच से आपकी बीमारी सही करना चाहता है, वो पहला क्या बोलेगा, बोले दवा तो बहुत बढ़िया दवा दे रहा है, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे जल्दी से जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। बोले भैया कलयुग में दवा कौन सा है, बोले भगवान का नाम ये दवा है। बोले इसमें परहेज क्या है, बोले चार ही परहेज है। अभी ध्यान देख रहे सुनो, चार चीज को हमें छोड़ करके ठाकुर का नाम लेना, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, अब लोग तो कोई जुआ खेलते नहीं, इसलिए कलि का पहला स्थान गया खत्म, तुम्हारे पास में नहीं है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ लेकिन जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हूँ, भाइयों को गए राज्य गया, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरना देखना पड़ा, फिर हमको 12 साल तक जंगल में और 1 साल तक विराट राज्य में
हमें नौकरी करना पड़ता है। खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगाएगा। अगर इतने नीचे उतरना चाहते हो फिर जुआ में हाथ लगाओ, पहला है। और इसको करने से सत्य खत्म हो जाएगी। जो जुआ खेलते हैं देखना वो कभी सच नहीं बोलता है, झूठ झूठ बोलता है। दूसरा नंबर पानम। पानम का मतलब है किसी तरह सा नस्ली वस्तु मत लो। नस्ली वस्तु में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज का हमें नहीं लेनी चाहिए। शराब भी नहीं पीनी चाहिए। आप लोग भी अपना बच्चों को शराब से दूर कर दवा दो, ठीक है ना। बच्चों को सिखा दो कभी शराब नहीं पिए। लेकिन देखो ये कलयुग आने का नाते जैसे कोई शादी की पार्टी हो रही है, बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, अगर शराब मत पिलाओ ना, बोले ये कौन सा शादी है तुम्हारी, शराब भी तुम्हें नहीं पिलाए, ये कोई शादी है नहीं। देखो संतों का कहना है शराब पीने वालों का तीन लाभ है। कितना लाभ है ध्यान से सुनो, कितना लाभ है बोलो, कितना लाभ है, तीन लाभ है। बोले भैया तीन लाभ क्या है, ध्यान से सुन लो। पहला लाभ है वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते तुम्हारी दोस्त बन जाएंगे। बोले भैया इसका मतलब क्या, पहला लाभ क्या, बूढ़ा नहीं बनोगे। बोले बूढ़ा कब बनोगे, जिंदा रहा तब तो बूढ़ा बनोगे, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाओगे। देखो कुछ दिन पहले एक माता जी दिल्ली में मेरे पास में हरिनाम लेने के लिए आई। मैंने देखा कम उम्र में वो विधवा, 30-35 साल में विधवा। मैंने पूछा भैया क्या बात है, पति कहाँ है। बोले उनकी हाँ दोनों जो किडनी खत्म हो गई थी, हार्ट भी खराब हो गया था, मर गए। बोले इतने कम उम्र में कैसे मर गए। बोले वो पीते थे। वो क्या करते थे, वो पीते थे। मैं रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, वहां ज्यादा ही लड़की लड़कियां देखता हूँ और बूढ़े तो कम दिखते हैं। मैंने पूछा भैया यहाँ पर इतने लड़कियां क्यों हैं और यहाँ पर इतने बूढ़े कहाँ हैं। कहते बाबा जी ये बचपन से ये पीना शुरू करते हैं और पीते पीते आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं और इनकी नपुंसकता हो जाता है। शराब पी पी करके इनकी पुरुषत्व तो नहीं रहती, इसलिए लड़की लड़की ज्यादा जन्म ले रही है यहाँ पर है। इसलिए आप लोग भी कभी भी एक संतों का कहना बुरा मत मानो। एक संत कह रहे थे जिस किसी बच्चे का बर्थडे में हम क्या करते हैं, यार दोस्तों को बुलाएंगे, कितना बोतल तोड़वा देंगे और कितने मुर्गा मुर्गी जानवर को उनको है उनको फीस्ट खिला देंगे। वो संत कह रहे थे भैया जिस बच्चे की उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवाया वो बच्चे का कभी परमाई बढ़ेगी कभी। वो कहते थे अगर 100 साल होगा ना झट 50 साल में उतर आएगा। इसलिए कोई पाप कर्म नहीं करानी चाहिए। यहाँ पर भगवान गोविंद देव है, ठाकुर जी है, घर में आप लोग कीर्तन करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ। देखना भगवान का कीर्तन से कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी। आप लोग तो सब राजस्थान के हो, देखना राजस्थान में नियम में देखा हर चीज में ठाकुर का कीर्तन करवाते हैं, भगवान की कीर्तन करवाते हैं, ठीक है ना। भगवान की कीर्तन के द्वारा कोई भी काम कराओ जरूर वो काम तुम्हारी सक्सेसफुल होएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। पहला नंबर बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा नंबर चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी। वो तो बेच बाज करके सब पी पा कर खत्म करके हमारी चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा कुत्ता आकर के मुंह में मुंह धो कर चला जाएगा। इसलिए ये सब चीजों से हमें दूर रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ देखो और एक चीज है, ध्यान देख रहे सुनो, आपको बहुत बुरा लगेगा, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप बोलोगे भैया चाय क्यों नहीं पिए, चाय में क्या दोष है, चाय में। बोले चाय पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटीन और एक उसमें कफिन डालते हैं, ये चाय पत्ते में कोई दोष नहीं। देखो ये विदेशी लोगों ने कैसे टेक्निक से अपना बिजनेस कैसे चालू किया, ये बड़े बूढ़े लोगों को पूछो बता देंगे। पहले ये अंग्रेजी लोग जब आए, अब पहले भारत में चाय कोई नहीं पीते थे, इन लोगों ने क्या किया, अपना हाथों से बना बना कर चाय पिलवाया। बोले जो एक कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। हमने क्या सोचा, एक कप चाय और एक रुपया मिलेगा। बोले भैया दो, एक रुपया एक कप चाय। कुछ दिन बाद में बोले नहीं आपको 50 पैसा मिलेगा। बोले कोई बात नहीं,
एक कप चाय 50 पैसा, कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्या बोले पीना, बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा दो, अभी पी पी कर आदत बन गया ना। अब देखना जो चाय पीते हो, अगर चाय पीने का समय आए, अगर चाय मत पियो, अब क्या होगा बताओ, आप लोग बताओ क्या होगा, बोलो बोला आप लोग, सर दर्द होगा ना, बोले क्यों, बोले उसमें जहर है, उसमें विष दिया हुआ है, तैजन उसके अंदर में। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति शराब अगर नहीं पिए ना बेचैनी सी हो जाती है, जब तक नहीं पिएगी बेचैनी सी नहीं जाएगी। ये चाय में हम कहते हैं ना, सवेरे एक कप चाय पी लो, दोपहर तो कोई चिंता नहीं, भैया इतनी सी चाय से कोई पेट भरती है बताओ, वो पी लिया नहीं, इसको पिया मतलब जहर को पी लिया, हमारा पेट में जो भूख था ना वो खत्म हो गई, भूख लग रहे हैं, अब दूध पियो, दही पियो, मट्ठा पियो, दाल बाटी चूरमा खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, ये जहर पी करके भूख को खत्म कर ले। फिर बोले देखो 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो, कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो, कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो, कुछ दिन बाद में 3 रुपया, बोले लो, बोले 5 रुपया लो, अभी कितना पैसा हो गया, बोलो अभी कितना पैसा है, 10 रुपया। इतनी सी चाय और हमको ठग करके, ये 10 रुपया हमसे ठग करके ले रहे हैं 10 रुपया इतनी सी चाय को, और हम लोगों ने बेकूफ बन गए और उनका बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है ना, उनका बिजनेस चालू नहीं करना, अपना बिजनेस चलाओ, दूध दही पियो, फल खाओ, ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार आप बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, जिसे छत हो जाए, इसलिए कहते किसी तरह का नस्ली वस्तु मतलब। और तीसरा नंबर है कहते स्त्रियम, स्त्रियम मतलब है बोले स्त्रियों में भी कलि का निवास, बोले कौन सा स्त्रियों में, बोले संसार करो, घर गृहस्थी करो, शादी करके पति पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी बैठाओ, ऐसे नहीं बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हैं, नहीं शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया, संसार करो, शादी करके अपना धर्म को साथ में पति पत्नी दोनों मिल करके, देखो शास्त्र में बताया जो शादी करके पति पत्नी को साथ में रहते हैं एक तरह का ब्रह्मचर्य है, एक तरह का ब्रह्मचर्य हो, क्यों, अपना पत्नी को साथ में धर्म को साथ में संसार कर रहे हो, हैं, अभी जगत में इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है, इतना गड़बड़ी क्यों हो रही है, सब इसी वजह से, इसलिए शास्त्र कहता है पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थी करो, भगवान की भजन करो, जिस घर में ठाकुर जी की भजन होना पति पत्नी, वो घर नहीं वो वृंदावन है, वो घर नहीं वो ठाकुर जी की धाम ही तुम्हारी है, ठीक है ना, कभी यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा नहीं खानी चाहिए, मुझे लगता है आप लोग कोई नहीं खाते, और प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, इस कथा में आप बात सुनाऊंगा, ठीक है, इसलिए अगर ये 4 नियमों का पालन कर लोगे और थोड़ी सी ठाकुर का नाम लो, बस बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। इन्हें 4 जगह पर स्थान दे दिए, लेकिन जो कली है ना ये खुश नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ कहाँ कर घूमू, कौन शराब पी रहे हैं, कौन जुआ खेल रहे हैं, है? कौन मांस खा रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ ढूंढू, मेरे को ऐसे एक जगह दे दो जो सब चीज यहीं पर मिल जाए। ध्यान देकर देखो, उन्होंने दिया स्थान जानते हो कहां पर, ये सुवर्ण में, ये पैसा में, ये सारे कलिका स्थान दे दिया, आप देखना ये जुआ कौन खेलेगा, ये शराब कौन पिएगा, ये सारे उल्टा सीधा काम कौन करेगा, जहां पर ज्यादा पैसा देखना वहीं पर जितने सारे गड़बड़ी होता है, सारे गड़बड़ी होता है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी में स्थान दे दिया, लेकिन सब लक्ष्मी में स्थान नहीं दिया उन्होंने, सारे लक्ष्मी में नहीं। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग बोलो, आप बताओ तो लक्ष्मी का वाहन कौन है, कौन बोलेगा हाथ उठा, लक्ष्मी का वाहन कौन है, कौन बोले हाथ उठा, उल्लू है, मतलब घर में जब लक्ष्मी आती है ना वो उल्लू के ऊपर बैठी करके आती है, लेकिन वो अकेली बैठी करके आती है, वो अकेली, लेकिन लक्ष्मी की और एक वाहन है, बता सकते हो, एक तो उल्लू वाहन है
और ये के बहाने हैं लोग बताओ हाँ और कौन बहाने लगेंगे और कौन बोलो सबके सब एक इनका बहाना गरुड़ है आप देखना ये गरुड़ों के ऊपर जो लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठी आप देखना नारायण को साथ में लक्ष्मी बैठती है इसका तात्पर्य को समझो इसका तात्पर्य है अगर हमने लक्ष्मी को अकेले घर में बुलाई माँ लक्ष्मी हमारी घर में आओ बोले क्यों घर में आओ बोले आप तो हमको भोग करेंगे लक्ष्मी बोली कि भैया मैं तो नारायण क्यों मैं तो तुम्हारी है ही नहीं मैं तो नारायण की तुम अकेली हमको बुला क्यों रहे हो इसलिए ऊपर उल्लू के ऊपर अकेली बैठ करके आई लेकिन अगर लक्ष्मी को घर में बुलाओ क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है अगर नारायण की सेवा के लिए बुलाओगे ना फिर वो अकेली उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आई गरुड़ कहाँ रहता है बोले वैकुंठ में फिर माँ लक्ष्मी हमारे घर को वैकुंठ बना देती है भगवान की धाम बना देती है मतलब है लक्ष्मी को हमें ठाकुर जी का सेवा में लगानी चाहिए घर में जो कुछ खाना बनती है पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ बस लक्ष्मी ठाकुर जी को सेवा में लग गई देखना वो घर में बड़ी शांति सुख मिलेगा घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगी परिवार के लोग आनंद में रहेंगे अगर वो लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में नहीं लगे ना फिर तो लक्ष्मी सुख नहीं देगा भले ही अरब खरब रुपया घर में आ जाए घर में दुख सुख नहीं आएगी घर में क्यों लक्ष्मी को आप ठाकुर को सेवा में नहीं लगाते हो इसलिए घर में एक काम कर लेना घर में जो खाना बने पहले ठाकुर होंगे ना घर में कृष्ण होंगे राम होंगे नारायण होंगे उनको सामने रख लो तुलसी पत्ता दे दो ठाकुर को भोग लग गया प्रसाद हो गया प्रसाद खाओ देना घर में शांति सुख रहेगा इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानाम हा निरस्य उपजायते हे अर्जुन जो मेरे को भोग लगा कर खाता है उसको घर में कोई दुख कष्ट कभी नहीं रहेगा उसका घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाती है इतना काम करना क्या करना जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम अभी श्री ध्रुव नारायण सब तैयारी है कहाँ है ध्रुव नारायण पीछे बैठे ठीक है अभी अभी आना तुम लोगों को ठीक है हाँ देखो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए भगवान ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ सर्वप्रथम चतुर्सन सृष्टि हुई उसको बाद में श्री रुद्र जी प्रकट हुए उसको बाद में ब्रह्मा जी अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि किए उसको बाद में 10 बेटे को सृष्टि की उसको बाद में उन्होंने मनु और सतरूपा को जन्म दिया ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुई मनु सतरूपा जी को भगवान ने निर्देश दिया कि सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ बोले सृष्टि कहाँ पर करे कुछ है ही नहीं सृष्टि करे कहाँ पर इतने में ब्रह्मा जी छिंके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और देखते देखते उन्होंने विशाल रूप धारण किया बराह बन करके आए बोले श्री बराह भगवान की पानी में छलांग लगाए और पृथ्वी को उन्होंने उधार किया धुरी पर स्थापन की तो फिर ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़ा इसलिए श्री मनु सतरूपा से 5 संतान हुए उत्थान पात प्रिय व्रत आकृति देवती और प्रसूति ये 5 संतान हुए और ये 5 संतान से धीरे 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 ये जो विश्व ब्रह्मांड आप देख रहे हो धीरे 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 ये दुनिया सृष्टि हुई है हा? ये धीरे धीरे दुनिया सृष्टि हुई इसलिए हम मनु महाराज से हुए हमको मानव कहते हैं हमें क्या कहते हैं क्या कहते हैं हमें बोलो मानव लेकिन अभी का जो साइंस है ना डार्विन थ्योरी कहता है हम लोग तो बंदर से हुए हैं हम लोग कहाँ से हुए हमारे पूर्वज बंदर थे और ये बंदर का पूंछ कटते कटते जब खत्म हो गया फिर बंदर ही इंसान बन गया लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं ये डार्विन का जो पिता माता बंदर थे हमारे पिता माता बंदर नहीं थे हमारा पिता माता तो ये भगवान कृष्ण गोविंद देव थे इसलिए वो कहते हैं अगर हम बंदर से हुए उनका पूंछ कटते कटते हो गया अभी कितने बंदर दुनिया में कोई बंदर अभी से कोई इंसान बन रहा है उसी समय क्यों बंदर एक इंसान हो गया अभी कोई बंदर इंसान क्यों नहीं हो रही है अभी तो होनी चाहिए ना इसलिए डार्विन मरने से पहले ये बात बता कर गए बोले कभी भी बंदर से इंसान नहीं हो सकती है बोले तुमने क्यों ये फिलोसफी बताई बोले मेरे को सरकार ने जोर जबरदस्ती किया था ये चीज तो प्रूव करके दिखा दे
जो ये बंदर से हुई है, बोले क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, ये लोगों को नास्तिक बनाने के लिए। ये मरने से पहले उसने किया क्या, एक बंदर और एक गरिला की खोपड़ लेकर जोड़ दिया और उसने प्रूव कर दिया, देखो कैसे हम बंदर थे और धीरे धीरे बंदर से कैसे इंसानों में बेकूफ बनकर बना कर गया। और मरने से पहले ये बात बोल कर गया। लेकिन ये थियोरी अमेरिका में नहीं पढ़ा जाता है, ये भारत में बेकूफ बनाने के लिए, बच्चों को ये नास्तिक बनाने के लिए भारत में पढ़ाया जाता है, अमेरिका में नहीं पढ़ाते ये थियोरी, क्योंकि वो लोग गड को मानते, भगवान को मानते हैं। है? देखो हमारे गीता को देखो, कृष्ण गीता में खुद कहते हैं ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, ये जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं। पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, कृष्ण स्वयं कहते हैं जगत का पिता माता मैं हूँ। इसलिए हम कहते हैं ना तुमैव माता च, बोलो अब जो पीछे बोलो कोई बोल नहीं रहे, तुमैव माता च तुमैव बद्भुस्स तुमैव विद्या तुमैव सर्वम, दुनिया कहते हैं ना तुमैव माता पिता। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं भगवान ही हमारे पिता माता। लेकिन अभी आप देखो, आज बाइबल पढ़ो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ, वहां पर लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज। अब देखो उस उनका ग्रंथ में भगवान ने अपना जैसे इंसान को बनाया। आप मुसलमान का कुरान पढ़ लो, कुरान में लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, ये कुरान में कहता है। इसलिए किसी ग्रंथ में नहीं कहता है ये बंदर से ये इंसान हो गया, बंदर से कभी इंसान हो ही नहीं सकते हैं। एक समय साइंटिस्टों ने एक बंदर का जो ब्रेन है ना वो इंसान की ब्रेन में लगाना शुरू किया। जो इंसान की ब्रेन में लगाया वो जैसे बंदर छलांग लगाता है ना, इंसान भी छलांग लगाना शुरू कर दिया। ब्रेन जैसे होगा उसका एक पार्ट भी नहीं लग सकता है। अब देखो आप लोगों का गोत्र क्या है, तुम्हारी गोत्र क्या माता जी, बोलो गोत्र क्या तुम्हारी, बाजोरिया तुम्हारी गोत्र क्या है, जोर से बोलो। आपका गोत्र क्या है, खंडवा। अब देखना यहाँ पर सबका गोत्र अलग अलग, भाई भैया गोत्र कहाँ से आ गया, ये गोत्र कहाँ से आई। बोले ब्रह्मा जी ने जब उनने 10 संतान बनाए, अत्रि पराशर वशिष्ठा जो बनाए, उसी से जो जो हमारी खानदान आए ना, हम उसी गोत्र को कहते हैं। हैं हमारे सबका गोत्र, भारत में कुछ ना सबके गोत्र अलग अलग, कहाँ गोत्र कहाँ से आए, हम जिस ऋषि की परंपरा से आए वही गोत्र हमारी, हम बंदर से नहीं आए। आप देखो एक बंदर को ले आओ, अपना चेहरा को बंदर से मिलाओ, मिलोगे ना। देखो कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण है ना, कृष्ण का आंख जैसे तुम्हारी आंख है कि नहीं, कृष्ण का नाक जैसे हमारी नाक है कि नहीं, कृष्ण की दो हाथ हमारे दो हाथ है, कृष्ण की दो पैर हमारा दो पैर। तो कृष्ण को साथ में मिलते ना तो बंदर को साथ में मिल रहे हैं। कोई बंदर को ला करके मिला, बंदर को साथ में मिलोगे ना भगवान गोविंद देव को साथ में मिलोगे, भगवान को साथ में मिलोगे। बंदर से हमारा कोई भी चेहरा नहीं मिलती है, इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम किससे हुए हैं, भगवान से हम हुए हैं, ठाकुर जी हमारी पिता माता। इसलिए ये भागवत से, ये मनु महाराज से सृष्टि हुई, इसलिए मनु महाराज ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम मनु संहिता। वो मनु संहिता में हम कैसे संसार में रहेंगे, मैया कैसे, भैया कैसे, पिताजी कैसे, किसको साथ में कैसे व्यवहार करेंगे, उन्होंने मनु संहिता में सारे चीज को उन्होंने लिख कर गए। इसलिए ये मनु महाराज से हुए, इसलिए हमें मानव कहलाते हैं। ठीक है ना, बोलना नहीं हम बंदर पहले थे, है? बंदर नहीं, हम पहले ठाकुर जी के संतान हैं, हम ठाकुर जी से आए हैं। अभी उनकी दो बेटे और तीन बेटी हुई। यहाँ पर जो दो बेटे, एक उत्थानपात और प्रिय व्रत, कहते हैं उत्थानपात की दो पत्नी थी, एक सुरुचि और एक सुमुति। बोले देखो हम सबका भी दो दो पत्नी है, एक सुरुचि है और एक सुमुति है। बोले भैया सुनीति की, सुनीति मतलब क्या, बोले जिसकी नीति अच्छी है उसको कहते हैं सुनीति। जीवन में अगर हम सुनीति को अपनाएंगे, उनका बेटा कौन हो गया, बोले ध्रुव। बोले ध्रुव मतलब क्या, जो सत्य निरंतर सत्य जो वास्तव है, हैं? इसलिए अभी भी हम ध्रुव जी को स्मरण करते कि नहीं, ध्रुव तारा को हम स्मरण करते हैं। इसलिए और एक है सुरुचि, सुरुचि मतलब स्वस्य रुचि, अपना मनमानी ढंग में जो चलती है,
जिसका शास्त्र भाषण से कोई मतलब नहीं है, जिनका वेद पुराण से कोई मतलब नहीं, इसका पुत्र कौन है? बोले उत्तम। बोले भैया उत्तम अधम होनी चाहिए, उत्तम कैसे हुए हैं? बोले उद्गत तम, इसका मतलब है जिसने अपना मनमानी ढंग से चले, बाद में हम सुनेंगे वो कैसे उसने मनमानी ढंग से चली और लास्ट में कैसे उत्तम भी जाकर के मरे और मैया ढूंढते ढूंढते गई वो भी खत्म सुहा हुए। इसका मतलब अपना मनमानी ढंग से जो चलते हैं उसका गति कभी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इस शास्त्र के हिसाब से हमारा वेद पुराण को अगर लेकर के चलोगे जीवन में ध्रुव जैसे संतान जन्म होगा। जब घर में पहले शादी हुई थी सुनीति से, लेकिन जब उस घर में सुरुचि आ गई, सुरुचि मतलब स्वस्य रुचि, अपना रुचि, उसने देखा सुनीति भक्ति करती है, भजन करती है, लेकिन अभी सुरुचि आ गई, बोले खबरदार हमारे घर में भजन भजन नहीं चलेगा, इसे तिलक कंठी माला क्या निकालो, पहले राजा को बोले निकालो, पहले इसको निकालो, ये अगर ये घर में रहेगी ना मैं नहीं रहूंगी, इसको निकालो फिर तो मैं रहूंगी हैं। लेकिन अभी पहले 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 तो रानी थी सुनीति, अभी नई नई घर में शादी हुई ना, इसलिए पहले पत्नी कैसे लगती है? पहले लगती है चंद्रमुखी, फिर बाद में फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई चल रहा। अभी नई नई अभी घर वो आई ना है, अभी नई नई आई, उसने घर से निकाल दिया सुनीति को। एक दिन पिताजी की गोद में बैठा हुआ था उत्तम, अभी ध्रुव जी बैठने के लिए गया तो उसको बीमा का इतने भत्सना की, बोले खबरदार पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते हो, अगर बैठना चाहते हो भगवान की भजन करो, शरीर त्याग दो, फिर मेरी कोख से जन्म लेकर के फिर बैठ सकते हो। लेकिन वो तो क्षत्रिय का बच्चा कहां सहन कर सकता है। अभी उसने रो रो करके मैया को पास में गया, लेकिन मैया कौन है? सुनीति, वो अच्छी नीति देने वाले। यहाँ पर सिखा देते हैं, पहला जो गुरु है ना माता है, सबसे पहले गुरु माता है। अगर माता अगर बच्चे को सही सिखा देगी ना, वो बच्चा एक दिन ध्रुव बन सकता है, एक दिन आपका बच्चा ही ध्रुव बन सकता है। अगर उल्टा पुल्टा सिखा दोगे ना फिर तो गड़बड़ी है, फिर धुंधुकारी बनेगा वो ध्रुव नहीं बनकर धुंधुकारी बनेगा। देखो इसकी मैया ने क्या अच्छी सिखा दी, बोले बेटा तुम्हारी जो विमाता जो बात बताई सही बताई, जब तक भाग्य में नहीं होना तब तक कभी भी कोई राज सिंहासन में बैठ नहीं सकते हैं। उसने एक अच्छी बुरी बात तो बहुत बताई, लेकिन उसने एक अच्छी बात बताई, बोले क्या बताई? बोले भगवान की आराधना करें, ये एक अच्छी बात बताई। बोले बेटा ये पिता भी नहीं रहेंगे, ये राज्य भी नहीं रहेगा, पिताजी की गोद भी नहीं रहेगी, ये दुनिया एक दिन ध्वंस होने वाले, अगर तुम ठाकुर जी की गोद में एक बार बैठ जाओ भगवान इतने स्नेह देंगे, दुनिया में इतना स्नेह कोई नहीं दे सकते हैं, और ऐसे राज्य प्राप्त होगा जो राज्य कभी नष्ट होने वाला नहीं। बेटा तुम भगवान की आराधना कर। बोले भैया भगवान कहाँ रहते हैं? बोले बेटा भक्ति करने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले माँ मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दे, मैं तेरी कृपा से भगवत प्राप्ति करूंगा। तो उसने माँ की आशीर्वाद लिया, मैया को परिक्रमा की और मैया की आशीर्वाद लेकर के भजन की। देखो नियम है, आप कोई अच्छे काम करने जाते हो ना, पहले पिता माता की चरण छूनी चाहिए, पहले पिता माता की चरण, कोई छूते हो? कोई कौन छूते है हाथ उठा दो, पहले पिता माता की चरण कौन छूते हो? हाँ अच्छी बात है, जो नहीं छूते हो ना जरूर पिता माता की चरण छूनी चाहिए, अगर सास ससुर हो ना उनका भी चरण छुआ कर। देखो एक संत कह रहे थे, जैसे मानो घर में तीन भाई है, ध्यान देखो सुनो, घर में तीन भाई नहीं तो दो भाई है, जो बहू जी सवेरे उठ करके सास की चरण छुएगी, ससुर की सेवा करेगी और उनको ठीक ठीक से उनके आदर देगी, उसको पास में घर का जितने अलंकार गहना किसको पास में होता है? सास को पास में होता है। जब बंटवारा होगी, जब बंटवारा होगी ना वो क्या करेगी? जो बहू ज्यादा सेवा करती है, हाँ ज्यादा स्नेह करती हो क्या करेगी? कुछ उठा करके वो बहू को दे देगी, बोले तू इसको छुपा कर रखना, और जितना होगा ना उसको बंटवारा करके दूसरे को दे देगी, लेकिन जो सेवा करेगी उसको हाथ में पकड़ा देगी। बोले इसी जगत में भी लाभ है, ठीक है ना, इसलिए पहला जो गुरु है पिता माता, और पिता माता की आशीर्वाद से। अभी तो बच्चे लोग कोई पिता माता के चरण नहीं छूते, बस ऐसे कर लेते हैं, लेकिन नियम है उनकी चरण छूनी चाहिए, क्योंकि पिता माता की आशीर्वाद से हम फलते फूलते, उनके आशीर्वाद से। उन्होंने मैया को आशीर्वाद लेकर गए और लेकर के उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए इतनी उत्तम बला हो गए,
जिसको देखे शेर को देखे उसको भी गोद में भर ले, आप क्या मेरे पद्म पलाश लचन श्री हरि। सर्प को देखे लेकिन कोई कुछ उनके नहीं करते, बोले क्यों? बोले इसके हृदय में ईर्षा नहीं है, इसके हृदय में ईर्षा भावना नहीं। इतने में भगवान के आसन हिल गया, भगवान बड़े चंचल हो रहे थे। माँ लक्ष्मी बोली प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले 5 साल के एक छोटा बच्चा मेरे को पाने के लिए एकदम पागल हो रहा है। बोले प्रभु जाओ दर्शन करो। बोले अभी तक तो उसने गुरु नहीं किया है, अभी तक तो उसने गुरुकरण नहीं किया है। कितना बिनु गुरु भवन दी तरई न कोई जो बिरिंज शंकर सम होई। अब उसने गुरु चरण आश्रय नहीं किया। मैंने स्वयं बताया प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं पहला नियम गुरु जी की आदेश को लेकर के पूजा करके फिर ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो भगवान कहते उसका पूजा निष्फल हो जाता है। उसका पूजा करने पर भी उसका कुछ फल उसको नहीं मिलता है। देखो एक संत कथा सुना रहे थे, एक संत किसी घर में कथा करने के लिए गए। उन्होंने कहा देखो भैया जो भगवान का नाम लेते हैं ना वो भवक सागर से पार हो जाते हैं, लेकिन उसको घर में एक तोता रहता था। बोले बाबा क्यों झूठ बोलते हो, भगवान का नाम लेने से संसार से पार हो जाता है। बोले झूठ किया? बोले तू मेरे पे देख, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो आता है राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण सबको मैं बोलता हूँ मालिक को, लेकिन अभी तक तो ये छोटा पिंजरा से मेरे उधार नहीं हुई, और भवसागर तो बहुत बड़ी बात है। अभी वो तो चुप हो गया। बोले सही बात बता रहे। उसने वापस आया, वापस आया तो उसने अपना गुरु जी को बोले, बोले गुरु जी एक एक तोता ऐसे बता रहा था। बोले कोई चिंता नहीं कल चल तेरे साथ में मैं चलता हूँ। वो गए, बोले जा तू कथा सुना। फिर बैठ करके जब फिर वो कथा सुना रहा था भगवान का नाम लेने से जीव बब सागर से पार हो जाता, फिर तोता बोला बोले वे बाबा फिर क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं सबको राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी ये छोटा सा पिंजरा से मेरे उद्धार नहीं हुई, तुम बोलते हो भव सागर से पार हो जाओ। इतने में उसको गुरु जी ने कहा बेटा इसलिए तेरे को उद्धार नहीं हो रहा है चूंकि तुमने किसी शुद्ध साधु से नहीं लाम लिया, इसलिए तेरे को उद्धार नहीं हो रहा है। बोले फिर आप मेरे को दे दो ना। पर वो संत ने उसको कान में ठाकुर का नाम दिया, उसको कुछ उन्होंने बात बताया। बोले देख बच्चा जब तक ये पिंजरा का अंदर में रह करके तू ये राम राम राधे राधे बोलोगे ना तेरे को उद्धार नहीं होगा। बोले फिर बोले एक काम करना, जब ये कथा समाप्त हो जाएगी तुम एक बहाना बना करके जैसे तुम शरीर छोड़ दिया ये बहाना बनाना, फिर तेरे को पिंजरा से निकालेंगे, अर्थी जब ले जाएंगे फिर फर कर गुड़ जाना। बोले वाह बढ़िया मंत्र आपने दिया है। अभी जब कथा विश्राम हो गई उसने तो मरने का बहाना बना दिया। लोग बोले भैया धन्य ही है तोता, ठाकुर जी कथा सुनते सुनते प्राण त्याग दे दिया, तोता की जीवन धन्य हो गया, चलो इसके अर्थ निकालते। अभी पिंजरा का अंदर से निकाले, अर्थी में बैठाए, गले में सुंदर माला पहनाए, और जब राम नाम सत्य करते करते ले जाए थे ना इतने में जो तोता था फर कर गुड़ गया। इतने में गुरु जी ने कहा क्यों बेटा गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती है। देखो अभी भगवान का नाम गुरु जी से क्यों ले, कारण क्या? देखो श्री जीव गोस्वामी इसकी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जगत में ऐसे कुछ वृक्ष है जो वृक्ष का बीज अगर डायरेक्ट पेड़ से लेकर बोग ना वो पेड़ कभी नहीं होगा। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा पेड़ है कभी भी वो वृक्ष को नीचे वो पेड़ नहीं देखोगे? आप बता सकते हो कौन सा पेड़ है? विशेष करके देखोगे दो पेड़ है, एक बरगद पेड़ और एक पीपल पेड़। अब कभी भी ये पेड़ को नीचे वृक्ष कभी नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? किसी छत में देखोगे, किसी वृक्ष के ऊपर देखोगे? एक वृक्ष बनने के लिए 3 चीज चाहिए तभी वृक्ष होगा, एक मिट्टी, एक हवा, एक पानी, तभी जाकर के वृक्ष होगा। आप कभी कभी देखना छत के ऊपर में जहाँ पानी है नहीं, जहां पर कोई मिट्टी नहीं, देखना वहां पर पीपल का पेड़ है, वहां पर बरगद का पेड़ है। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले वो वृक्ष होने का एक कारण है, वो डायरेक्ट वृक्ष से वो पेड़ नहीं होगा। जब वो बीज को कोई चिड़िया खाएगा उसको पेट में वो चिड़ी बीज जाए, उसको पेट में ऐसे कुछ शक्ति है जो उसको अंकुर वृक्ष लाने का ताकत प्रदान करती है। जब वो बीज करता है किसी वृक्ष के ऊपर नहीं तो किसी छत के ऊपर नहीं, देखना
वहां पर कभी कभी देखे होंगे पीपल बरगद का पेड़ छत में हो जाता है, जितना बार तोड़ो ना फिर दोबारा हो जाएगा। कभी कभी ये छत को फाड़ देता है, वहां पर कुछ है ही नहीं, मिट्टी नहीं, वहां पर कोई पानी नहीं, देखना वो छत को फाड़ देती है बरगद का पीपल का पेड़। श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हम क्यों गुरु जी से नाम लें, अपने आप क्यों नहीं करें, ये गुरु जी से क्यों लें? बोले कारण है, जब ये भगवत मंत्र को कोई गुरु जी अपना हृदय में ले जाए और भगवत मंत्र जप करते 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 एक दिन वो मंत्र को साक्षात कृष्ण रूप में दर्शन देता है, दर्शन देने पर फिर जब वो नाम को फिर किसी को देते हैं, फिर तो उसका हृदय में शुष्क होने पर भी, निरस होने पर भी, वो निरस हृदय में भी सरसता प्रदान कर देती। जैसे श्री नारद जी बाल दसुरत्नाकर था, लेकिन दसुरत्नाकर से एक बार मिला तो बोले राम बोलो, उसको मुंह से राम की नाम नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ मरा मरा बोलते बोलते राम राम। जैसे व्याध नारद से मिले कल्याण कर दिया, ध्रुव प्रहलाद 5 साल उम्र से भगवत प्राप्ति करा दिया, इसलिए अभी भगवान श्री नारायण श्री नारद जी को भेजे। नारद जी आकर परीक्षा किए, बोले भैया ये बचपन में भी भजन करते, घर में वापस जाओ, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे हैं। बोले आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप नारद नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने सुना नारद जी सबको भजन की बात बताते हैं, लेकिन आप घर घर में जाओ, लेकिन अगर आप नारद है ना, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान मिलेंगे। बोले क्यों? भगवान खुद कहते हैं सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सिन्हा, जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते मैं कोई गर्व नहीं दे सकता हूं तो मेरे को पाओगे, कोई गर्व नहीं, लेकिन निसंशय चात्र, लेकिन जो भक्त का आश्रय लेकर के भजन करता है, शास्त्र ज्ञान देता है, एक दिन तो भगवत प्राप्ति करोगे। इसलिए आज आपका दर्शन हो गया मतलब मेरे ऊपर में भगवान की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी और विभीषण से जब मुलाकात हुई, विभीषण क्या कहता है, आज मोय भा भरसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता, जो रघुगिरि मोहि अनुग्रह किनी तो मई दर्शे दिनी। ध्रुव जी की ये प्रतिज्ञा को देख करके बोले केवल आप मेरे को भगवत नाम दो, देखो मैं क्या करता हूँ। नारद खुश हो गए, बोले चला इसे जरूरत है, जिसकी दृढ़ प्रतिज्ञा हो। फिर उनको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए, बोले यमुना में स्नान करना, मथुरा में ध्रुव लीला पर भजन करना, तेरे को भगवत प्राप्ति होगा। जब उन्होंने भजन किया, पहला महीना में उन्होंने बेर फल खाकर भजन किया, 3 दिन तक पैसे बैठ गए। दूसरे महीना में 6 दिन बाद में सूखे पत्ते को खा खा करके, तीसरा महीना में उन्होंने पानी पी पी करके, चौथा महीना में पानी त्याग दिया हवा खा करके, पंचवा महीना हवा भी बंद हो गई, हवा भी बंद कर दिए, फिर जब वायु को रोक दिए, सारा दुनिया में प्राण वायु ही बंद हो गया, भगवान के आसन हिल गया, भगवान वैकुंठ छोड़ करके फिर प्रभु ध्रुव जी को उन्होंने दर्शन दिया। बोले श्री ध्रुव महाराज की जय, नारायण ध्रुव जी आ जाओ, कहाँ है ध्रुव नारायण, आ जा सामने आ जा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण भक्त वत्सल भगवान की जय। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, एक अंगूठे के ऊपर में खड़े होकर के, एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के भजन कर रहे थे, लेकिन ध्रुव महाराज की जब सिद्धि हुई, जैसे एक हाथी किसी नाव में प्यार करते, क्या होता है वो नाव डगमगाने लगती है, ये पृथ्वी ध्रुव महाराज की एक अंगूठा पर जो खड़े होकर भजन कर रहे थे, ये पृथ्वी भी डगमगाने लगती है, डगमगाने लगी। तो इतने में भगवान नारायण अभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सत धज करके जब दर्शन करने के लिए आए, इतने में माँ लक्ष्मी प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? देखो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये नहीं बताए मैं ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहा हूँ, ठाकुर जी कहते हैं मैं ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ।
ठाकुर जी स्वयं आ जाओ, नारायण जी आ जाओ, आ जाओ। और नारद जी बोले श्री नारद भगवान की जय, बोले श्री नारद ऋषि की जय। और नारायण जी भी आ जाओ, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए जब भगवान इनको प्रकट होकर के जब भगवान दर्शन देते हैं, दर्शन देते समय नारद जी उन्होंने भगवान की स्वरूप कैसे है, कैसे उनको ध्यान करेंगे प्रभु, कैसे शंख चक्र गदा पद्मधारी, कैसे गले में उनकी सुंदर फूलों की माला, सुंदर रूप में वर्णना किए थे। जब भगवान जी प्रकट हुए, ध्रुव जो हृदय में स्मरण कर रहा था, हठात वो जो रूप था भगवान एक झलक दर्शन देख करके फिर प्रभु जी अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए इतने में ध्रुव महाराज जी उन्होंने अपना नेत्र खोल दिए और नेत्र खोल करके साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का ध्रुव जी मेरी स्तुति करो। बोले प्रभु मेरे स्कूल में गया नहीं, संस्कृत जानता नहीं, पर भगवान अपना शंख ये ज्ञान स्वरूप है। उन्होंने श्री ध्रुव जी की कपल पर स्पर्श कराया, स्पर्श कराते ही ध्रुव जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान की स्फूर्ति हुई। फिर तो उन्होंने भगवान को सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। बोले ध्रुव महाराज मेरे को कुछ वर मांगो। देखो ध्रुव जी क्या कहते हैं, बोले स्थानाभिलाषी तपसी स्थित स्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न जाचे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जी मैंने जब आपको भजन करने के लिए आया था वो संसार का रुपया पैसा धन दौलत राज्य लोभ से आया था। अगर कोई व्यक्ति कांच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उसको पारस पत्थर मिल जाए, जगत में ऐसे कौन सा मूर्ख होगा जो पारस पत्थर छोड़ करके टूटे फूटे कांच को स्वीकार करेंगे। बोले हे प्रभु देव मुनीन्द्र गुह्यम, आपका चरण तो देवता मुनियों के लिए भी दुर्लभ चरण है, लेकिन वो चरण आज आपका दर्शन मिल गया, प्रभु में जीवन धन्य हो गया, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी चरण की हमें भक्ति प्रदान करो। भगवान का ध्रुव जी मिल जाएगा भक्ति, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कुछ चीज मांगो। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो मेरे को आपका भक्तों का संग प्रदान करो। बोले जब मैं स्वयं तेरे को दर्शन दे दिया फिर मेरे भक्त संग क्यों चाहते हो। देखो साधु संग की कितनी महिमा। बोले प्रभु आज जो आप मिले हैं ना वो संतों की कृपा से, आप तो कभी आपका कथा सुनाओगे नहीं, आपका कथा तो आपको संतों को ही सुनाएंगे, लेकिन अगर आपकी कथा हम सुनते रहेंगे भक्तों की मुखार बिंदु से कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है अगर उसमें मैं गोता लगाते रहूंगा मेरा मन अपने आप तुम्हारी भजन में अपने आप लगा रहेगा, इसलिए प्रभु मुझे आपकी संतों की संग प्रदान करो। भगवान तथास्तु बोलते, बोले ठीक है मिलेगा। बोले और कुछ मांगो, और कुछ चीज को मांगो। बोले और कुछ चीज मेरे को जरूरत नहीं। देखो ठाकुर जी क्या देते हैं, बोले ठीक है मैं अपना तरफ से तुम्हें देता हूँ। ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में दिग्व 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में तुम राज्य करो। जब राज्य तुम्हारी समाप्त हो जाएगी जैसे मेरा वैकुंठ लोग है तुम्हारा लिए भी एक नया वैकुंठ में बनाऊंगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी नाम ये दुनिया में रहेगा। ध्रुव तारा रूप में तेरे को सबके सब स्मरण करते रहेंगे। अभी भगवान ने आशीर्वाद दिए, लेकिन ध्रुव जब वापस आया ना वो सुखी होकर के नहीं रो रो कर आया। बोले भैया रो रो कर क्यों आया, भगवान इसको राज्य दे दिया, बोले वैकुंठ ही बना दिए, फिर वो रो रो कर क्यों आया। देखो जब प्रभु की भक्ति की कितने महत्व है, इसलिए रो रो करके आया। बोले कहाँ ठाकुर का दर्शन मिला, कहाँ प्रभु की सेवा मिलनी चाहिए भक्ति, लेकिन ठाकुर जी मेरे को फिर झूठा संसार में फंसा दिया।
वो कह रहे जो संसार के लिए दुनिया आई, देखो भारत के लिए, भारत के लिए अभी कितना पार्टी है, केवल भारत के राजा बनने के लिए, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का राजत्व तो उन्होंने प्रदान किया ठाकुर जी, लेकिन उसी में भी दुखी हो रहा है मेरे को, क्यों ये झूठे संसार में भगवान फंसा, क्यों चरण की भक्ति नहीं दिए मैंने, क्यों ठाकुर जी को ये दुनियादारी के लिए क्यों मैंने भजन की, दुखी होकर के आए। लेकिन जब आए इतने में उनको पिताजी बड़े दुखी हो रहे थे, पिताजी ध्रुव जी को ध्रुव सिंहासन पर अपना सिंहासन पर बैठा करके पिताजी भजन करने के लिए चले गए। अभी ध्रुव महाराज जी जब 36,000 साल समाप्त हो गया, वैकुंठ से विमान उतर करके आया, बोले ध्रुव जी रथ में बैठो और चलो वैकुंठ में चलो। इतने में काल स्वयं आ गया, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले वैकुंठ, बोले जब तक मेरे को स्पर्श नहीं करके जा नहीं सकते हो तुम बैठ जाओ। देखो ध्रुव जी की भक्ति की कितने महिमा भक्ति की, उनने काल के सर के ऊपर उन्होंने प्यार रख दिए, प्यार रख करके जो वैकुंठ जा रहे थे इतने में उनकी मैया की याद आ गई, बोले मेरे मैया कहाँ गई, बोले मैया को क्यों याद कर रहे हो, देखो जितने माताएं ध्यान देख रहे माताएं सुने, बोले मैया को क्यों याद कर रहे हो, बोले आज जो मुझे भगवत प्राप्ति हुई ये माँ की आशीर्वाद से, मैया ने मेरे को उपदेश दी थी, बोले बेटा बेटा ये पिता कब तक रहेगी, ये राज्य कब तक रहेगा, ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो जिसकी गोद में बैठोगे ना कभी उतरने का जरूरत नहीं, करोड़ों ज्यादा स्नेह देने वाले माँ की आशीर्वाद से प्रभु मिले, मैया को लेते हुए मैं कभी वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तब श्री विष्णु दूत ने कहा ऐसे जो तुम्हारी मैया जो तुम्हें भजन की उपदेश दी, देखो तेरे से पहले तेरी मैया वैकुंठ जा रही, उसको पीछे पीछे तू वैकुंठ जा रहे हो, इसका मतलब है अगर हम बच्चे को भजन की शिक्षा देंगे सबसे पहले माता वैकुंठ जाएगी, पिताजी वैकुंठ जाएंगे, फिर बच्चा जाएगा। इसलिए आप जितने माता यहाँ पर बैठे हो, पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु पिता माता पहला गुरु, इसलिए बच्चे को भजन की शिक्षा दो। घर में ये नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ घर में, क्या नियम बनाओगे, बच्चे स्कूल जाने से पहले बोले बेटा एक माला जप करके जा, बच्चे को एक माला जप करवाना, बोले बेटा एक माला जप करके जाओ। जब बच्चे को हम स्मार्टफोन पकड़ा सकते हैं 10-20,000 रुपया की, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, क्या बेटे को हम ये नहीं बता सकते तू एक माला जप किया, इतना नहीं बोल सकते। देखो ये चीज अच्छी तरह से सुनो, आप लोगों ने रामायण सुने हो, देखो जिस समय राम सीता वनवास में जा रहे थे, इतने में श्री लक्ष्मण अपना मैया के पास में आया, लक्ष्मण का मैया का नाम क्या थी बोलो, सुमित्रा। बोले माता जी मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा में जाऊं। मैया सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई, देखो क्या कहती है, बोले पुत्रवती युवती जगस्वी रघुपति भक्ति जासू सुत होई। बोले बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके मैं जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों, बोले तब भी माँ की गर्भ धारण करना सार्थकता है अगर बच्चे को प्रभु का भजन में लगा पाए तो। बोले पुत्रवती युवती जगत सोई, जगत में उसी माँ ही पुत्रवती है अगर बेटे अगर प्रभु का भजन किया। और दूसरी लाइन में कहती है अगर बच्चे को प्रभु का भजन में नहीं लगा पाओगे कहते माता को बोले बांझ रहो। वो सुमित्रा कहती है बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो। बोले क्यों नहीं देंगे बच्चे, क्यों जन्म नहीं देंगे। वो कहती है ये पुराण की कथा थी, बोले एक समय एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत दान पुण्य करके स्वर्ग में गया, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, लेकिन वहां रो रहा था, बेहोश हो रहा था। योगी ने कहा भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया और तेरे को अप्सरियां सेवा कर रही हैं, यहाँ रो रहे हैं क्यों। देखो क्या कहता है, बोले मेरे से की गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई, बोले पुण्य तो मैंने बहुत की इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मैंने बच्चों को सद्मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी से जुआ खेल रहे हैं, उससे मांस खा रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा, वो पाप को मेरे को स्वर्ग में भी भोगना पड़ रहा है। अगर हमने यह पैसा कमा करके गए बच्चों के लिए रख करके गए, अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए वो पैसा बच्चे अगर गलत कर्म पर लगाएंगे तुम स्वर्ग में भी जाओगे, वहां पर रखा नहीं उसका दंड वहां भी भोगना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर बच्चे को इसलिए
बच्चे को सुमित्रा कहती है तभी बच्चे जन्म दो अगर बच्चों को भजन में लगा पाओगे, नहीं तो कहते बांझ रह जाता। बच्चे जन्म देने का कोई जरूरत नहीं, किसने जन्म दोगे? कष्ट क्यों भोग करेंगे? यहाँ भी दुख पाओ वहां भी जाकर दुख पाओ, ठीक है ना। इसलिए एक शिक्षा लेकर के जाओ, बच्चे को बोलो बेटा एक हरिनाम एक माला करके तो स्कूल जा, ठीक है ना। ये सब सब पूरा जब बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हो पढ़ाई के लिए, जिसमें बेटा का जीवन बने उसका काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए बोलना एक एक हरिनाम करने के लिए। देखो जिस समय ध्रुव जा रहा था, नारद जी बिना बजा बजा करके नाच रहे थे। बोले क्यों? बोले मेरी कृपा से आज एक व्यक्ति वैकुंठ विजय किया। इसका मतलब है गुरु हमसे क्या चाहते हैं? गुरु हमसे ये दुनियादारी चीज नहीं चाहते हैं, गुरु एक चीज चाहते हैं, अगर कोई शिष्य बनकर के सचमुच से भजन किया, निष्कपट होकर भजन किया, भजन करके अगर भगवत धाम चले जाता है गुरु उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए नारद जी हाथ उठा उठा करके बिना बजा बजा करके नृत्य कर रहे थे, बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया, ध्रुव जैसे मैंने एक शिष्य को मैंने प्राप्त किया है। बोले श्री ध्रुव महाराज की, श्री नारद बाबा की, श्री नारायण की जय। हाँ हरे कृष्णा। कथा का आज हम यही विश्राम देते हैं, फिर कल आप लोग भगवान की जन्मोत्सव होगा। कल कौन सा रंग के साड़ी पहन कर जाओगे? सबसे प्रिया रंग के साड़ी पहन कर जाना, कौन सा रंग की बताओ, कौन सा रंग के साड़ी पहनोगे? हाँ पीले रंग के साड़ी पहन कर जाना, ठीक है। ओ हरे कृष्णा, और एक चीज हम भूल गया, एक माला जो करवाएंगे, एक माला, ठीक है, सब एक एक माला पकड़वा दे दो, बैठ जाए। और 5 मिनट बाद में कीर्तन करेंगे और प्रसाद लग जाए। बलसी हरि नाम संकीर्तन की, बलसी सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।